हाँ जी, गुड इवनिंग। मिल गए अपन वापस। राशिक सुपर्ब, अभिषेक गुड इवनिंग, भैया रितिका गुड इवनिंग। एक नंबर हो सर आप। थैंक यू रितिका, हेलो। भव्य हेलो। अभिषेक ब्रो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट से फुल नोट्स वाली पीडीएफ मिली? अभिषेक मैंने देख 3 PDF भेज दी, तीन मैं अभी भेज रहा हूँ, 2 मिनट में भेज रहा हूँ, ठीक है? डोंट वरी, आपको जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभिषेक ठीक है? चंचल राम गुड इवनिंग सर, मैंने आज पढ़ाई ही आकर लाइक पहले ही आकर लाइक कर दिया आपके वीडियो। अरे थैंक यू सो मच। सूफी शेख हाय, हिनिका हेलो, टीसा हेलो, कल्पना गुड इवनिंग, विशाल गुड इवनिंग। ओके लॉट्स ऑफ मैसेजेस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। श्री राम, जय श्री राम, हैप्पी दशहरा हैप्पी दशहरा। विशाल जी हैप्पी दशहरा। अजय जय श्री राम, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हैप्पी दशहरा हैप्पी दशहरा। नीतीश जय श्री राम। अरे आगे तक मैसेज डाल दो यार जल्दी से, हम बात करें आज का अपना एजेंडा क्या होगा। फिर आ गए एक बार तो, एक बार थम्स अप डाल दो। मोस्ट ऑफ लोगों ने ऑलरेडी मैसेज कर दिया मुझे, जो अगर मैसेज नहीं करा एक बार फटाक से हाई हेलो कर दो मुझे, तो मैं फटाक से आज का एजेंडा डिस्कस करूं। आज बहुत कुछ पढ़ना है सर। गुड इवनिंग फरदीन, के एस हेलो, राशि हाय, भक्ति गुड इवनिंग, चंचल राम हैप्पी दशहरा सर, सेम टू यू, नितेश जय श्री राम, खान साहब सलाम अलैकुम, लोफी हैप्पी दशहरा, अमृता गुड इवनिंग, राम राम सर, राम राम राहुल, राम राम। चलो आ गए सब, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 90-100 जितने आसपास कमेंट ऑलरेडी आ गए। नाइस, अब डिस्कशन करते हैं कुछ, ठीक है? 2 मिनट डिस्कशन करते हैं आज का, अपना लेक्चर किस तरह से प्रोसीड करेगा एक बार उसके बारे में बात करते हैं। तनिष्क हाय हाय हाय, देखो यहां पे 2 मिनट बात करते हैं, सुना? देख अपने मोटा मोटी सारे केस लॉस खत्म कर दिए विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने पूरा चैप्टर भी खत्म कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरा बेसिकली पता है इच्छा ऐसा था कि आपको मैं अभी कराऊंगा, अभी आज क्वेश्चंस करवाऊं, ठीक है? एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको मैं एक बार वाकिफ करवाऊं, तो आपको आइडिया आ जाए कि यार किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड किस तरह से हमें तैयारी करनी होगी। तो वो अपन डेफिनेटली आज कवर करने वाले हैं। इसके अलावा मुझे प्लीज़ एक बार बताना, आपसे पूछ रहा हूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। आपको कंपनीज एक्ट के अंदर केस लॉस सारे आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है? अराउंड 8 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं एग्जाम के लिए। आपको केस लॉज आते हैं कि नहीं आते कंपनीज है क्या, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से, तो मैं डिसाइड करूं कि मुझे किस तरह से स्टार्ट करना है। लेट मी नो जल्दी से। मैं नाम बताऊं एक बार, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न वाला केस, डाइमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, डिनशो मैनेजी पेटेट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वाला, ठीक है? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वाला, फिर उसके बाद वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वाला, फिर अपना ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस वाला, एशबरी वाला जो केस हुआ अपना, एशबरी रेलवे कैरेजन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेज रिची, वो आता है कि नहीं आता? उसके बाद आपको टर्कॉन्ड वाला केस लॉ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेज टर्कॉन्ड, आता है कि नहीं आता? आनंद बिहारी लाल वाला केस लॉ आता है कि नहीं आता? प्लीज मुझे एक बार मैसेज करिए हाँ या ना, क्योंकि अगर नहीं आता तो मैं उसको भी आज कवर कर लूंगा। मैं आपको मस्त एक पिक्चर से बताऊंगा, ठीक है? डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि केस में क्या हुआ था, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो आपको वो आता है कि नहीं आता? सर आते हैं बट कंपनीज एक्ट के करवा दिए स्टार्ट सबसे पहले, सर आते ही बट कंपनीज एक्ट करवा दीजिए सबसे पहले, आते हैं बट कंपनीज एक्ट का करवा दीजिए स्टार्ट सबसे पहले। एक क्रिश क्या बोल रहा है, तंबाकू थूक के बात कर बे पागल, एक चीज को दो दो तीन दिन बार लिखा हुआ है हाँ या ना? मुझे मेजोरिटी लोग ना बोल रहे हैं, देख अगर नो होगा तो मैं उसको आज के सेशन में इंक्लूड कर लूंगा, आई विल इंक्लूड केस लॉज ऑफ कंपनीज एक्ट ऑल्सो, अगर नहीं आता है तो। आता है तो नहीं करेंगे सर, मेरी कल एग्जाम है लॉ प्लस BCR फुल कोर्स, तो कर लिए सब सर। भव्य वेरी गुड, ओके सब मना कर रहे हैं सर। अभी आदित्य सर ने ही कराए केस लॉ, उन्होंने कहा था एंड में करेंगे,
तो करे या नहीं करे, देख आदित्य सर ने करवाए होंगे तो बहुत अच्छे से करवाए होंगे, तो अगर उन्होंने करवाया तो फिर मैं नहीं करवाऊंगा बिकॉज वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने नहीं करवाया अगर तो मैं करवा दूंगा, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, तो आवर डिस्कशन करें आज का अपना सेशन के बारे में। सुना सर आप तो डर डर क्या, आप तो डर गए, आप तो डरे क्या, क्या बोल रहे हैं आदित्य पागल, कौन से सस्ते नशे कर लिए, करते हैं सर नहीं आता है हमें, नहीं करवाए, ठीक है मैं करवा दूंगा, ओके आज अपन वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है करवा देंगे बात हो गई करवा देंगे। तो आज का मेरा एजेंडा सुन लो एक बार, किस तरह से अपन मूव करेंगे, बेसिकली किस तरह से अपन मूव करेंगे एक बार आप सुन लीजिए। आई विल स्टार्ट बेसिकली पॉइंट नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हम करेंगे सबसे पहले हम ये करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर खत्म किया, साथ में खत्म किया, तो ऐसा एक क्वेश्चन होना नहीं चाहिए जो हमको समझ में ना आए। तो हम कॉन्ट्रैक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, अराउंड 15-20 जितने क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सर उसके बाद क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट की अपन केस लॉज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के सारे कर लिए, कंपनीज एक्ट के अपन सारे केस लॉ करेंगे। सर उसके बाद सोगा, पार्टनरशिप, LLP एंड कंपनीज एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ये मेरा आज का एजेंडा है। आर वी क्लियर ये मेरा आज का एजेंडा है। रैंकिंग दे दी मैंने पहले, ये फिर ये और फिर ये, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है चलेगा। तो आज का लेक्चर मैं ऐसा बोल सकता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अपन चार बार मिले आज चौथा दिन है, आज का ही लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरा लेक्चर एग्जाम ओरिएंटेड होगा, पूरा का पूरा लेक्चर विल बी एग्जाम ओरिएंटेड, कंसेप्ट के साथ अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं वो भी, जो आ सकते हैं वो भी। तो आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ नितिश मैं करवा दूंगा। तो आई होप यू आर क्लियर विद द एजेंडा, थम्स अप दीजिए। तो अपन फटाक से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। आई डायरेक्टली स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ मैं सारे PDF भेज दूंगा आदित्य, सब भेज दूंगा बाबा, चिल ठीक है स्टार्ट करिए, थम्स अप दे दो मुझे जितने भी 80-100 जितने भी लोग देख रहे हैं। हाँ सूफी आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जो भी ऑनलाइन आ चुके हैं 80-100 जो भी है बने रहिए, हम सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे। मैं आपको ऐसा तक बोल सकता हूँ कि आज अपन जो क्वेश्चंस करेंगे ना थ्रू आउट द सेशन, उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एज इट इज आपके दिसंबर के एग्जाम में आ जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपका जो लॉ का होगा दिसंबर में, मेन एग्जाम जो होगा ICA वाला, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपन आज करेंगे और वो एज इट इज एग्जाम में आ जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, इतना इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करें ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, कंपनी से केस लॉस करने, ठीक है देख लेता हूं मैं। चंचल वेलकम, आओ स्टार्ट करें। मैं आपको टॉपिक का क्वेश्चन आंसर कराते पूरे कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, तो इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे ऐसा, तो ऐसा नहीं, मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा मैं क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उसका कंसेप्ट भी वापस से रिकॉल करवाऊंगा, तो इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेशर्मो लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, मुझे सब बोल रहे थे कमेंट के बारे में, किसी ने कमेंट नहीं करा, मैं ऐसे ही देखा था लेक्चर जो यूट्यूब पर अपलोड करा, कोई कमेंट ही नहीं था, पागल झूठ बोलते हो, भगवान सब देख रहा है। मोहित मैं करवा देता हूं, डन पक्का, 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ भक्ति, आई कैन से सो, भक्ति राजन आई कैन से सो कि आज अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वो एग्जाम में आ सकते हैं, एज इट इज आ सकते हैं, ठीक है। मैं चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, विपिन सोनी स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है यहां पर आइए। मेरे सामने क्वेश्चन है एंड आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये आपके सामने यहां पे देख, एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं,
एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, प्लीज सुनना, मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी सिखाऊंगा आपको, तो आपका एक सेकंड भी आप जब यहाँ पे मुझे दे रहे हो मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, चल एग्जाम्पल लेते हैं फटाक से। लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ भव्य। भव्य करके एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बी एच ए वी वाई, ठीक है, भव्य का एग्जाम्पल ले रहे हैं, भव्य का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने मुझे अभिषेक, ध्यान है मुझे। चल, बिपिन सोनी टेक्निकल गुरुजी क्रॉस टेक्निक गुरुजी टिक, मां कसम, थैंक यू, दैट वाज अ गुड वन। भव्य की बात कर रहे हैं सर, भव्य की एक गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का नाम है भाविनी, ठीक है। तो हमारे भव्य भैया जो बैठे हुए हैं उनकी एक गर्लफ्रेंड है भाविनी करके। अब दोनों के बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि रोज रात को 10 बजे भव्य भाविनी को कॉल करता है, ठीक है, और दोनों बातें करते हैं कि बाबू ने थाना खाया, कितनी रोटी खाई, ठीक है, दिन कैसा था, वो जो बातें होती है ना, वो लोग फिक्स है, रात को 10 बजे करते हैं। और हमारा भव्य कॉल करता है हमारी भाविनी दीदी को और उनसे सब बातें करता है, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है, वो लोग जो निब्बा निब्बी करते हैं ना, वो वाला, ठीक है। अब एक दिन लेक्चर था, विश्वनाथ शर्मा का लेक्चर था, तो भव्य भैया ने सोचा कि आज पढ़ाई कर लेते हैं, कॉल बाद में कर लेंगे, भाविनी को कॉल बाद में कर लेंगे, ऐसा भव्य ने सोचा। अब लेक्चर अपना खत्म होता है रात को 10:30 बजे, आपको पता है 10:30 लेक्चर खत्म होता है। अब भव्य उस दिन पढ़ के इतना थक गया कि वो 10:30 बजे सो गया। सर मतलब उस दिन भव्य ने भाविनी को कॉल नहीं किया, भव्य ने भाविनी को कॉल नहीं किया, क्यों सर? 10:30 तक लेक्चर था विश्वनाथ सर का, तो पूरा हमने विश्वनाथ सर का लेक्चर देखा और लेक्चर वाले इतना थक गए थे, इतना पढ़ाई कर लिया था कि फिर हम डायरेक्टली सो गए। तो हमने भव्य ने भाविनी दीदी को फोन नहीं करा, ठीक है सर। अगर कौन सी तारीख थी, 24 अक्टूबर 2023, जब हमारे भव्य भैया भाविनी को कॉल करना भूल गए। सर फिर क्या हुआ, फिर भाविनी दीदी ने भव्य भैया के साथ ब्रेकअप करने की बातें करी, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, ब्रेकअप तक बात पहुंच गई, जहाँ पे भाविनी दीदी ने भव्य को ऐसा बोला कि तुझे तो मेरी पड़ी नहीं है, तेरे को मेरे बारे में सोचना ही कोई नहीं होता है, तू तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तुझे तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। भाविनी दीदी ने बहुत सुनाया, हमारे भव्य भैया सुनते रहे। फिर भव्य भैया को लगा कि यार गलती हो गई, अपनी गलती है, कॉल करना चाहिए था 10 बजे, उसको इन्फॉर्म कर देते कि आज कॉल नहीं कर पाऊंगा। तो भव्य भैया ने बहुत मनाया भाविनी को और अल्टीमेटली बहुत सारा सॉरी वॉरी बोल के एक गिफ्ट आईफोन गिफ्ट करा, ठीक है, भव्य भाई ने भाविनी दीदी को आईफोन 15 गिफ्ट करा और कैसे तैसे भाविनी दीदी को मना लिया और दोनों का आपस पैचअप हो गया, ठीक है, दोनों का आपस पैचअप हो गया। अब पैचअप होने के बाद भव्य भाई पता है क्या करते हैं, हमारे भव्य भाई इतना डर गए भाविनी दीदी से कि उसने रोज 9:55 का अलार्म लगाना शुरू कर दिया कि 9:55 को अलार्म बजेगा तो अपन शार्प 10 बजे भाविनी को कॉल करेंगे, जिससे एक भी दिन मिस ना हो जाए। तो उसने अलार्म लगा के रिमाइंडर सेट कर दिया और अब वो रोज भाविनी से बात करता है शार्प 10 o'clock। अब सर एक साल हो गया, ठीक है, पूरा एक साल, 1 year passed away और ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब भव्य ने भाविनी को कॉल ना कराओ। सर अब क्या हो गया, अब भाविनी दीदी को है ना मजा नहीं आ रहा लाइफ में, भाविनी दीदी को ऐसा मजा नहीं आ रहा कि यार रिलेशनशिप में कुछ रहा ही नहीं, कोई झगड़े वगड़े नहीं होते, ठीक है, मनाने वाले कोई चीज़ नहीं होती, तो भाविनी दीदी को मजा नहीं आ रहा कि यार मैं किस बात पे झगड़ा करूँ। तो एक दिन भाविनी दीदी फोन करती है भव्य भैया को और भाविनी दीदी बोलती है कि मुझे ब्रेकअप करना है, भाविनी बोलती है भव्य को कि मुझे ब्रेकअप करना है, एक साल के बाद ऐसा फोन करके बोलती है मुझे ब्रेकअप करना है। भव्य भैया बोलते हैं कि ब्रेकअप क्यों करना है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तेरे को रोज 10 बजे फोन करता हूँ, अपन रोज बात करते हैं, अपन रोज मिलते हैं, फिर तुझे ब्रेकअप क्यों करना है? तो भाविनी दीदी बोलती है, याद है तूने एक साल पहले 24 अक्टूबर 2023 को तूने मुझे फोन नहीं किया था, उसके लिए मुझे तुझसे ब्रेकअप करना है। अब आप मुझे बताओ, भाविनी दीदी
सही बोल रही है या गलत बोल रही है। भाविनी दीदी जो भी बोल रही है, एक साल पुरानी बात निकाल रही है जिस पे ऑलरेडी पैचअप हो गया था, जिस बात को लेकर जो रिजॉल्व हो गई थी बात, उसके लिए भाविनी एक साल बाद बोल रही है कि मेरे को उस चीज की वजह से आज ब्रेकअप करना है जो एक साल पहले हुआ था। भाविनी दीदी ने सही करा या गलत करा से मुझे मैसेज करके बता दो, सही है या गलत है। सिर्फ मैसेज टाइप कर दो, सही है या गलत है। किसी का मैसेज है गलत, ओके। कल्पना का मैसेज है गलत है, ओके। मयूरेश गलत, कौशल गलत, जाकिर गलत, मोहित गलत, हिनी का गलत, तनिष्क पैसा बर्बाद, माधवी जैनिल गलत, अभिषेक गलत, दिव्यांशी गलत, मान देविका भक्ति नितिश सहेष्टा साई अजय वैशाली बिपिन सूफी हुसैन देविका आर्टोशन, ए आर्टोशन तो पागल हो गया, तेजा साक्षी पागल पढ़ाई कर, वैभवी जैनिल आदित्य अर्पित रिया शुभम सानिया मेघा, ओके। 100 जितने मैसेज आ गए मेरे पास गलत 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 करके। अब मैं आपको ये सेम चीज पढ़ा रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अगर आपको ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ में आता है तो मैं आपको सेम चीज समझाऊंगा अभी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देख पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन सुनना, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, लाइफ टाइम याद रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा डीप में गया, ठीक है, उसका कंसेप्ट समझाने के लिए। अब मेरा जो कंसेप्ट था भव्य और भाविनी वाला वो यहां पे यूज होगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। शीतल वॉज अ क्लासिकल डांसर, शी एंटर्ड इन टू एन अग्रीमेंट विद शरद विद्या मंदिर फॉर 50 डांस परफॉर्मेंसेस। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट शी वॉज सपोज टू परफॉर्म एवरी वीकेंड एंड शी विल बी पेड रुपीज 8,000 पर परफॉर्मेंस। हाउ एवर आफ्टर अ मंथ शी वॉज एबसेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग ड्यू टू पर्सनल रीजंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वेदर द मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर हैज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। सर कैन आई से येस, राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट तो है सर, क्यों? अरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, आपको हर वीकेंड पे आना था, परफॉर्म करना था, आपने बिना बोले छुट्टी दे दी एंड आप परफॉर्म करने नहीं आए, आपने बताया भी नहीं, तो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कैन आई से मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर हैज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक समझ में आता है, थम्स अप दे दो मुझे एक बार। क्वेश्चन पार्ट वन क्लियर है, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ अभिषेक मिलेगी, ये क्लियर है, मुझे थम्स अप दे दो एक बार कि सर फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का बहुत इजी है कि यस दे कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आर वी क्लियर विद द फर्स्ट वन? तो मैं क्वेश्चन नंबर टू पे मूव करूंगा, आपको बताना पड़ेगा अगर फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो, जो बहुत ईजी है, ठीक है। मेरे पास मैसेज आ गए बहुत सारे, मैं बी पर आता हूं। इफ मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर इन्फॉर्म शीतल अबाउट इट्स कंटिन्यूएंस, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं शीतल दीदी को कि ब्रो कोई बात नहीं, तू नहीं आई अगली बार से ऐसा मत करना, मतलब हम उसको कंटिन्यू करवा रहे हैं कि आप आते रहना और वीकेंड पे परफॉर्म करते रहना। तो इफ द मैनेजमेंट ऑफ शरद विद्या मंदिर इन्फॉर्म शीतल अबाउट इट्स कंटिन्यूएंस, कैन द मैनेजमेंट स्टिल रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ ऑन दिस ऑन दिस ग्राउंड सब्सिक्वेंटली? मुझे बताओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑन दिस ग्राउंड मतलब आपने जो छुट्टी मारी थी, हमने बोला कि कोई बात नहीं अब आप कंटिन्यू करिए, तो उसने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। अब एक महीने बाद हम उसको बोल रहे हैं कि तू जो एक महीने पहले नहीं आई थी ना, उसकी वजह से अपन कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भव्य और भाविनी वाला एग्जाम्पल है सर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मोहित नो, मयूरेश नो, जाकिर नो, निशु गुप्ता नो, अमृता नो, रुद्रा नो, कौशल नो, मान नहीं सर बिल्कुल नहीं, विशाल रुद्रा वैभवी बिपिन तनिष्क मोहित, दो दो मोहित अपने पास, वैशाली मयूरेश रुद्रा वंदन भव्य रितिका अभिषेक, ओके लॉट्स ऑफ देम, सलोनी अजय श्रेष्ठा, ओके चंचल राम, ओके लॉट्स ऑफ देम। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने वो स्टोरी क्यों बताया था आपको भव्य और भाविनी वाला, बिकॉज ये जो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि सर अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज को इग्नोर किया तो आप वापस से जाके नहीं बोल सकते कि तूने पहले जो गलत करा था उसकी वजह से आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूं, इवन दो आपने उसको कंटिन्यू करने को बोल दिया था। तो इट कैन नॉट बी डन सब्सिक्वेंटली ऑन द सेम ग्राउंड्स, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। और थर्ड तो आई थिंक सबको आता ही है,
सर डैमेज तो क्लेम कर सकते हैं, वो कंटिन्यू करे या कंटिन्यू ना करे, सेक्शन 73 टू 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डैमेजेस की बात करते हैं तो अपन डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हैं, शीतल को कंटिन्यू करवाएं या कंटिन्यू ना करवाएं, डैमेजेस वी कैन क्लेम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन खत्म हो गया, ये उसके आंसर्स हैं, ये उसके आंसर्स हैं। कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट रेसेंट मतलब कैंसिल नहीं कर सकते, एंड कैन क्लेम डैमेजेस। ठीक है, कॉन्फिडेंस आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई थिंक मान डिस्कस हो गया, हमने डैमेज वाला डिस्कस किया एंड ऊपर यहाँ पे सेक्शन 39 आपने आई गेस अगर नहीं देखा या ठीक है तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। टू मी इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कभी भी टपक सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, भव्य पीडीएफ मिलेगी, हम पीडीएफ ऑलरेडी आपको ये वाली पीडीएफ भेज चुके हैं, आप अगर बाद में ज्वाइन करें हम आपको वापस से भेज देंगे। ठीक है, डोंट वरी, उस पर फोकस मत कर, अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा, अभी अपन पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, परिधि अ माइनर, देख भाई जैसे ही मुझे माइनर वर्ड पढ़ा ना मेरा दिमाग तो मुझे एक ही चीज बोलता है, आपको भी ऐसा इंशाल्लाह बोलता होगा, मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ऐसा आपको क्लिक होता है माइनर बोल के कि सर जैसे ही माइनर आया ना मतलब मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष दिमाग में स्ट्राइक हो गया हमारे। अगर आपको ऐसा स्ट्राइक होता है मतलब आप बहुत ही अच्छे रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है, तो परिधि अ माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल ऑफ एस्टोफेल, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोफेल माइनर पे लगता ही नहीं है, मतलब माइनर खुद को मेजर बता के वापस से माइनर बोल सकता है। तो फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज, एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद एन ऑथराइज लैपटॉप डीलर मिस्टर मित्तल ओनर ऑफ एमपी लैपटॉप्स फॉर परचेज ऑफ लैपटॉप ऑन क्रेडिट अमाउंट रुपीज 60,000 ऑन 1st August. She promised to pay back the outstanding amount with interest of 16% per annum by 31st July 2023. मतलब almost एक साल बाद. She told him that she won't be able to pay the outstanding amount. Her father, यहाँ से question अलग हो गया. Her father, Mr. Ram, will pay the back on her behalf. Sir, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? Click आना चाहिए आपको. Minor cannot bind his or her parents. बिना authority के minor अपने parents को bind नहीं कर सकता. आपको ऐसा click हो रहा है? हाँ, void of issue सही है. But आपको अभी वो click हो रहा है कि सर पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बिना। आर वी गेटिंग इट? दिव्यांशी क्वाइट कैसे रहेंगे? शरद विद्या मंदिर क्वाइट कैसे रहेगा? बताना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें कि नहीं करें? नहीं बोला तो मतलब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? मेरे पास मैसेज भी आया। आफ्टर वन ईयर व्हेन परिधि वॉज आस्क्ड टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट शी रिफ्यूज्ड टू पे द अमाउंट एंड टोल्ड द ओनर दैट शी इज माइनर एंड नाउ ही कांट रिकवर अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर। सही बोल रहा है, she will be major on 1st January 2025 and only after that agreement can be ratified. मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर agreement cannot be ratified, minor के साथ में जो contract करा it is not even a contract, it is void agreement. तो it cannot be ratified subsequently. Explain which of the following ways Mr. Mittal will succeed in recovering the outstanding amount. पहला question, by filing a case against Paridhi, a minor, for recovery amount of outstanding amount with interest. सर नहीं कर सकते, contract with a minor void ab initio. By filing a case against Mr. Ram, father of Paridhi, for recovery of outstanding amount. Sir, ये भी नहीं कर सकते, minor cannot bind his or her parents without their permission. और तीसरा, by filing a case against Paridhi, a minor, for recovery of outstanding amount after she attains majority. मैं बोल सकता हूँ सर, a contract or agreement with a minor cannot be ratified subsequently. जो हो गया वो हो गया, वो void ab initio है, वो major होने के बाद ratify नहीं हो सकता. तो सर ये भी नहीं हो सकता. Are we clear? Are we clear? मैं पूरा कंसेप्ट भी बता रहा हूं आपको साथ साथ में, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको सब कुछ एकदम से रिकॉल होना स्टार्ट हो जाए. तो देख किस तरह लिखते हैं, इट विल नॉट सक्सीड. ठीक है, माइनर कैन नॉट बाइंड द पेरेंट और गार्डियन. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी बाइंड नहीं करते सर गार्डियन को. और यहाँ पे नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी. तो तीन क्वेश्चन पूछे थे हमने, उसको तीन अलग पार्ट में आंसर किया, हमने उसको तीन अलग पार्ट में आंसर किया. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर हमारा यूनिट नंबर 3 का थोड़ा सा रिविजन हो गया. ठीक है, रिविजन के अंदर रिविजन कर रहे हैं अपन. तो आई होप इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू. आज का लेक्चर अपन पूरा लेक्चर ऐसे ही प्रोसीड करेंगे. बहुत सारे कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत 70-80% है वो अपन आज सारे क्लियर कर लेंगे अलॉन्ग विथ एग्जाम वाले क्वेश्चन. सर विल माइनस प्रॉपर्टी बी लाइबल टू पे ऑफ द अमाउंट? सर दिव्यांशी उसके पेरेंट्स हैं नहीं हैं पूरा सिनेरियो देखना पड़ेगा ना, क्या सीन क्या है. भव्य थैंक यू. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर सोहन अ वेल्दी इंडिविजुअल, ये अपने कल ही कराया, ये अपने कल ही कराया. मिस्टर सोहन अ वेल्दी इंडिविजुअल
provided a loan of ₹80,000 to Mr. Mukesh on 26 February 2021. The borrower, Mr. Mukesh, asked for a further loan of ₹1,50,000. Mr. Sohan agreed but provided the loan in parts on different dates. He provided ₹1,00,000 on 28th February and ₹50,000 on 31st March 21. ठीक है, मैं लिखता हूँ इसको. बहुत सारा डेटा है क्वेश्चन के अंदर, लॉस ऑफ डेटा कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा उसको. ठीक है, मैं लिखता हूँ डेट एक बार आपके साथ, आप तब तक क्वेश्चन पढ़ते रहना, टाइम वेस्ट मत करना. सर 26 फरवरी को 80,000, सर उसके बाद 28 फरवरी को 1,00,000 एंड 3rd मार्च को 50,000. ठीक है, आधे लोग जो अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, उनको तब तक क्लिक भी हो गया होगा कि सर अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का शायद उसका क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि अलग अलग डेट्स हैं. ठीक है, देख समीर का मैसेज भी आ गया. समीर वेरी गुड, माशाल्लाह. ठीक है, ऑन 10th मार्च 2021, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है. ऑन 10th मार्च 2021 मिस्टर मुकेश वेल पेइंग ऑफ पार्ट ₹75,000 मिस्टर सोहन. ठीक है, हमने 75,000 ही पार्ट पेमेंट करा 75,000 का. ठीक है सर, टोटल कितना है? टोटल आई थिंक 1,50,000 प्लस 80,000 2,30,000 है. टोटल 2,30,000 है, हम उसको पार्ट पेमेंट करें 75,000 का. तो बोल रहे हैं ऑन 10th मार्च 21 मिस्टर मुकेश वाल पेइंग ऑफ पार्ट ₹75,000 टू मिस्टर सोहन इंसिस्टेड दैट द लेंडर शुड एडजस्ट 50,000 टुवर्ड्स द लोन टेकन ऑन 3rd मार्च एंड बैलेंस एज अगेंस्ट लोन ऑन 26th फरवरी 21. सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हमने एक रैंकिंग करा था. सर हमने रैंकिंग में क्या किया था, आप एक बार रिकॉल करवा दो. सर हमने ऐसा उसमें किया था कि सबसे पहला रैंक आता है जो डेटर बोलेगा वैसा. तो मैं डेटर हूं, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, तो जैसा मैं बोलूं वैसा एडजस्टमेंट होना चाहिए. अगर मैं कुछ ना बोलूं तो क्रेडिटर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है. मैं कुछ ना बोलूं, क्रेडिटर भी अपने हिसाब से कुछ नहीं सोच रहा है, तो हमने करा था कि सर फीफो कर लो. ऐसा आपको याद है, हमने किया था सर कल के ही लेक्चर में. मेरे पास सेक्शन की लिस्ट भी आ रही है. ठीक है, आगे मिस्टर सोहन ऑब्जेक्टेड. अरे क्रेडिटर पागल हो गया क्या? मिस्टर सोहन ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट एंड आस्क्ड द बोरोअर टू एडजस्ट इन द ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बोरोअल ऑफ फंड्स. नहीं ना यार, वो तो रैंक नंबर 3 है. रैंक नंबर 1 तो क्या था, जैसा डेटर बोलेगा वैसा एडजस्ट करना पड़ेगा. तो देख, आई कैन सी क्वेश्चन नाउ वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश इज करेक्ट और अदरवाइज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो सर जो मुकेश बोल रहा है एकदम बराबर बोल रहा है, जैसा डेटर बोलता है वैसा एडजस्टमेंट होना चाहिए, बिकॉज वो रैंक नंबर 1 पे आता है. What would be the answer in case the borrower does not insist on such order of adjustment? Sir, अगर debtor कुछ नहीं बोलता तो creditor अपनी मर्जी से adjust कर सकता है. Number 3, what would be the mode of adjustment or appropriation on such part payment in case neither Mr. Sohan nor Mukesh insist any order? Sir, दोनों ही नहीं कहूंगे तो अपन FIFO करते हैं, और अगर equal debt है तो अपन proportion में करते हैं. I hope कल के lecture की सारी बातें आपको धीरे धीरे याद आ रही हो. हमने cigarette का example लिया था, याद है? 90 रुपीज की सिगरेट, 180 रुपीज की सिगरेट, 183 की सिगरेट, ऐसा अपने एग्जांपल लिया था. अरे वही तो है, वही तो है. देख आंसर, यू कैन सी यहां पे सेक्शन 59 to 61 में क्या बोला कि सर जैसा डेटर बोले वैसा. ठीक है, देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश इज करेक्ट एंड ही कैन स्पेसिफाई. डेटर का रैंक 1 होता है, ही कैन स्पेसिफाई द मैनर ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट ऑफ डेट. जैसा वो बोलेगा वैसा फाइनल. तो 59 एकदम इजी. 60, सर डेटर कुछ ना बोले तो क्रेडिटर अपने हिसाब से करेगा. द क्रेडिटर मे अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम द डेटर. तो डेटर ने कुछ नहीं बोला तो क्रेडिटर. सर नीचे 61, सर दोनों ने कुछ नहीं बोला तो इन ऑर्डर. ठीक है, फीफो अपन फॉलो करते हैं. द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन ऑर्डर ऑफ टाइम. और अगर इक्वल स्टैंडिंग है तो आप प्रोपोर्शन भी कर लोगे. आई होप 100% क्लैरिटी आ गई होगी कि सर हमने जो कल पढ़ा था वही क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, पर हमारा टॉपिक तो क्लियर है ना. हाँ भव्य, अजय का एग्जाम्पल लिया था सिगरेट वाला. आई होप कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा ये क्वेश्चन करके. कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं सर हमको आता है. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस. हम सेक्शन नंबर भी आपको बता रहे हैं साथ साथ में कि देखो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभिषेक ने कल ही डिस्कस किया था ये पूरा टॉपिक. ठीक है, कि जैसा डेटर बोलता है वैसे एडजस्टमेंट करने का. डेटर कुछ नहीं बोलता तो क्रेडिटर जैसा चाहे वैसे एडजस्टमेंट करेगा, और डेटर भी कुछ नहीं बोल रहा, क्रेडिटर भी कुछ नहीं सोच रहा, तो अपन उसको फीफो करते हैं. ठीक है अभिषेक, आई होप इट इज क्लियर. यहां पे
सीमा वॉस एकदम आराम से पढ़ने का, क्वेश्चन एकदम फोकस करके पढ़ने का. सीमा वॉस रनिंग अ बुटीक इन न्यू डेली. शी हैज टू डिलीवर सम क्लोथ टू हर फ्रेंड किरण, वो वॉज पुटिंग अप एग्जीबिशन एट मुंबई. ओके. सीमा डिलीवर द स्विंग मशीन एंड सम क्लोथ टू रेलवे कंपनी टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस वेयर द एग्जीबिशन वॉज टू बी हेल्ड. टाइम पास कर रहा है, ठीक है, लवारी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, टाइम पास कर रहा है अपना. सीमा एक्सपेक्टेड टू अर्न एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट. भाई मैंने जैसे ही वर्ड पढ़ा ना एक्सेप्शनल प्रॉफिट, मेरे को एक ही चीज याद आई, स्पेशल डैमेजेस, हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल. मैंने आगे पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, अरे मैंने तो खाली ये पढ़ा ना, ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट. मेरे को फटाक से दिमाग में आया कि सर लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला मैंने केस करा था, हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल वाला. क्या आपको ऐसे क्लिक होता है वर्ड पढ़ते ही कि यार शायद ये वो टॉपिक हो सकता है? आई एम नॉट श्योर वही टॉपिक है कि नहीं, हो सकता है ऐसा आपको क्लिक होता है. क्योंकि अगर आपको क्लिक हो रहा है दैट मींस यू आर ऑन अ राइट पाथ, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है. ऑल्दो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आए, बट अगर आपको ऐसे क्लिक हो रहा है दैट मींस आपको आता है, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है कि सर सिलेबस कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको सिर्फ ऐसा क्लिक ही होना चाहिए. तो बोलते सीमा एक्सपेक्टेड टू अर्न एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स मेड एट दिस एग्जीबिशन. हाउएवर शी डिड नॉट ब्रिंग दिस फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द रेलवे अथॉरिटीज. द गुड्स वर डिलीवर्ड एट द प्लेस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एग्जीबिशन. बोलो एग्जीबिशन खत्म हो गया उसके बाद गुड्स गए. ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेलवे अथॉरिटीज कैन सीमा रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट. देख मैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करूं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, शी डिड नॉट ब्रिंग दिस फैक्ट टू द नोटिस ऑफ रेलवेज. सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल के अंदर हमारा जजमेंट ही यही था कि अगर आपको स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने हैं तो आपको बताना पड़ेगा पहले सामने वाले को कि भाई तूने ऐसा नहीं करा तो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा. और अगर आपने वो चीज नहीं बताई तो आप क्लेम नहीं कर सकते हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल. आर वी क्लियर? द आंसर इज वेरी मच क्लियर नाउ. कल का आपने लेक्चर अटेंड कराओ अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन एकदम टट्टी लगना चाहिए, टट्टी. अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको एकदम ईजी लगना चाहिए. तो आप ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम करोगे, स्पेशल डैमेज आप क्लेम नहीं कर सकते. देख दूसरी बार आया तो अब तक आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए. सेक्शन 73-75 जो डैमेजेस वाला है, दीज आर इंपॉर्टेंट सेक्शंस. जो मुझे पूछे थे इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट बताओ, मैं आपको वही इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि देख बार बार वो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. फिर आप खुद उसको कैच करते आपको आना चाहिए. देख यहाँ पे आ गया हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल, हमको भी एग्जाम में लिख कराना पड़ेगा. एक बार जजमेंट पढ़ते ना. इन द गिवन केस सीमा वॉज टू अर्न एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट आउट ऑफ द सेल्स मेड एट द एग्जीबिशन. हाउएवर शी नेवर इन्फॉर्म्ड अबाउट इट टू द रेलवे अथॉरिटीज. सिंस द गुड्स वर डिलीवर्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एग्जीबिशन देयरफॉर सीमा कैन रिकवर ओनली द लॉसेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सिंस नो नोटिस अबाउट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाज गिवन टू रेलवे अथॉरिटीज शी कुड नॉट रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स. एकदम आसान, एकदम कॉन्फिडेंस, पास पास पास, 100% अपन पास होंगे. ठीक है आप बस सुनते रहो, हम आपको जो पढ़ाते जा रहे हैं. आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको टॉपिक कैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है सिर्फ उतना देखना है टॉपिक कैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. राइटिंग प्रैक्टिस सब करवा दूंगा मैं. अभी अपन से फोकस करें कि कल जो पढ़ा था परसों जो पढ़ा था वो आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है अभी अपन से उस पर फोकस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5. मिस्टर ए इज अ लर्नेड एडवोकेट. हिज कार वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस. ही गेव एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर. मैं रुक गया. ही गेव एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर. मुझे फटाक से बता दो आपको कौन सा टॉपिक याद आया, आपको कौन सा केस लॉ याद आया. प्लीज मुझे फटाक से बता दो आपको कौन सा टॉपिक याद आया, आपको कौन सा केस लॉ याद आया. मैंने तो सिर्फ उतना सा ही पढ़ा, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर. आई एम नॉट श्योर कि वही टॉपिक है कि नहीं है, बट एक क्लिक तो हुआ ना कि यार ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ था. तो कैन यू नेम टू मी द टॉपिक एंड द केस लॉ प्लीज. रितिका का आंसर सबसे पहले आया. दिव्यांश बात करते हैं अपन उस पर. आई वॉन्ट टॉपिक एंड नेम ऑफ द केस लॉ. मयूरेश का इनकम्प्लीट आंसर है, रितिका का इनकम्प्लीट आंसर है. मोहित जनरल लिस्ट नहीं बाबा, जनरल ऑफर. अभिषेक का आंसर राइट है, वैशाली का आंसर आ गया, हुसैन का आंसर आ गया, श्रेष्ठा वेरी गुड, सूफी नहीं, मोहित का आंसर राइट है, भरखा का राइट है, मयूरेश का राइट है, रिया, दिव्यांशी, समीर, एक्नो, बिपिन, कौशल, भव्य, सबके आंसर राइट है. हुसैन, आदित्य, रितिका, जैनिल नहीं ना पागल क्या बोल रहा है, मोहित, दिव्यांशी नहीं, कशिश राइट है. ठीक है 90% बच्चों का आंसर राइट है. देख पहला मेरे को स्ट्राइक लालमन शुक्ला नहीं हुआ, अरे पहला तो मुझे स्ट्राइक कार्लिल हुआ ना. जनरल ऑफर का मेन केस ना तो वही है ना, कार्लिल वर्सेस मुगल कंपनी. लालमन शुक्ला तो कौन सा था, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर.
अभी तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ के तो सिर्फ दिमाग में आता है जनरल ऑफर एंड कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, वो आपके दिमाग में आना चाहिए जनरल ऑफर वाला टॉपिक। अगर आ रहा है मतलब आपको लॉ आता है, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, यू नो इट, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, दैट ही विल गिव द रिवॉर्ड ऑफ 10,000, वो विल गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज कार। मिस्टर विक्रम रीड्स द एडवर्टीजमेंट एंड ऑन मेकिंग सम एफर्ट्स गॉट द स्टोलन कार एंड इन्फॉर्म मिस्टर ए। मिस्टर ए फाउंड हिज कार बट डिनाइड गिविंग द रिवॉर्ड। ये पागल हो गया क्या, ये तो सेम वैसे ही कर लिया ना जैसा उसने किया था, कार्बोलिक स्मॉल कंपनी ने 100 pounds देने से मना कर दिया था, ये भी ऐसे कर रहा है 10,000 rupees देने से मना कर रहा है। एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इज जस्ट एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर एंड नॉट द ऑफर, हेंस ही इज नॉट लायबल टू मेक द रिवॉर्ड। स्टेट विद रीजंस वेदर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिस्टर विक्रम कैन क्लेम द रिवॉर्ड। यस ही कैन क्लेम द रिवॉर्ड, इट इज माना हमने इनविटेशन टू ऑफर है, बट जब रिवॉर्ड की बात आ जाती है तो इन दैट केस इट इज अ जनरल ऑफर, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। रेफरेंस हम दे देंगे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का। आंसर देखें एक बार, इट कैन बी सेड दैट एडवर्टीजमेंट मेड बाय मिस्टर असीम टू फाइंड द लॉस्ट कार इज एन ऑफर, ही इज लायबल टू पे 10,000 टू मिस्टर विक्रम, ठीक है। अब एक ये वाला पॉइंट भी आ गया, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजंस, व्हेन एडवर्टीजमेंट इज न्यूज़पेपर इज मेड फॉर रिवॉर्ड इट इज द जनरल ऑफर टू पब्लिक नॉट इन्विटेशन टू ऑफर। एक और बात बताता हूं मैं आपको, सुनना, हम पता है कल डिस्कस कर रहे थे आंसर राइटिंग के अंदर कि सर आंसर किस तरह लिखते हैं। मैं एक बार ओपन करता हूं सॉरी पीडीएफ को भी, मैं आपको एक और चीज करवानी है ना, देख मुझे आपको ये करवाना है, कहां लिखा था उसको मैंने, एक सेकंड ना, यहां लिखा था, सुनना, ये डिस्कस करना था ना अपन को, मैंने पता है आपको कहा था मैं आपको करवा दूंगा, याद है मैंने कहा था मैं आपको करवा दूंगा ये समरी ऑफ द क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे कि सर केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर एक मार्क मिलता है फैक्ट ऑफ द केस लिखने का, तो याद है आपको वो बात, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ फिर वो भी करवा देता हूँ। भाई अब सब बैठे ही हो, मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से मेहनत करते ना। समीर हाँ कल ही डिस्कस किया था, समीर आपने कल का क्लास अटेंड नहीं किया था क्या, हमने आपको कहा था फैक्ट ऑफ द केस लिखने का आपको एक मार्क मिलता है। समीर आप कल के लेक्चर में नहीं थे क्या, ठीक है। तो देख अपन समरी ऑफ द क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कोई बड़े क्वेश्चन का करें क्या, इसका ही करें, चल इसका ही कर लेते हैं। देख इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसको फैक्ट ऑफ द केस में कैसे लिखेंगे, मिस्टर असीम्स कार वॉज स्टोलन, he gave an advertisement in newspaper that he will give reward of 10,000, who will find the information about the car, Mr. Vikram jisne uski car dhoond li uski line par likh dete hain, Mr. Vikram got the stolen car and informed Mr. Asim, Mr. Asim denied giving the reward of 10,000 to Mr. Vikram, ठीक है, इतना लिखा तो भी चलेगा, फैक्ट ऑफ द केस समझ में आया। लिखना था ये भी लिख सकते हो विद द वर्ड्स दैट एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज जस्ट एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन था आपको दिख रहा है उसको मैंने ऑलमोस्ट 50% कंप्रेस कर दिया, क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे फैक्ट ऑफ द केस में लिखते हैं, समझ में आ रहा है आपको, प्लीज लेट मी नो। सर नॉट अबाउट द क्वेश्चन बट इन द आंसर इफ यू मेंशन द केस लॉ देन डू वी हैव टू राइट द फैक्ट ऑफ द केस, नहीं नहीं नहीं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना, नहीं नहीं बाबा चिल, आपको ये समझ में आया मुझे ये बताओ, मैंने उसको देखा आपने कितना स्मार्टली 50% कर दिया, देख किसी कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, लर्नेड एडवोकेट है, फ्रॉम हिज हाउस है, रीड्स द एडवर्टीजमेंट है, फाउंड हिज कार एफर्ट्स वाला, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, नीचे नीचे वाला पार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो कैन यू सी मैंने उसको 50% कर दिया। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने में 50% करने में आप उसको और शॉर्ट करो जो भी है यार, मुझे एक मार्क मिल रहा है, जस्ट इमेजिन 1 mark, और सर यही वो एक मार्क है जो आपको बेसिकली 59 से 60 पे ले जाएगा, 39 से 40 पे लेकर आ जाएगा, 199 से 200 पे लेकर आ जाएगा, और अब अच्छा पढ़ाई करते हो तो 299 से 300 पे लेकर आ जाएगा।
तो प्लीज ध्यान से सुनते जाना पूरे लेक्चर को जो मैं बोल रहा हूँ. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेरे को जैसे याद आया मैंने आपको फटाक से करवा दिया. ठीक है, आपने से मुझे किसी ने रिमाइंड भी नहीं करवाया, मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ तो मैंने आपको वो भी करवा दिया. ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे जो भी लगेगा मैं आपका बेनिफिट कर सकता हूँ, मैं आपको हर तरीके से बेनिफिट दे दूंगा. क्वेश्चन सिक्स मार्क करना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट. प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी डिफिकल्ट. सर टोटल कितने केसेस आते हैं? जनरल ऐसे समझ ले मोटा मोटी आपका 50% पेपर केस स्टडी बेस्ड होता है एंड 50% पेपर आउटराइट क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़े एक बार, क्वेश्चन पढ़े एक बार. मिस्टर वाई एज 21 ईयर्स, जो मेन बात होगी मैं उसको मार्क कर लूंगा, लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ अनसाउंड माइंड हो चुका है. ठीक है, कितना वो नहीं पता पर हाँ अनसाउंड माइंड हो चुका है. मिस्टर वाई एज 21 ईयर्स, सर विश्वा विश्वा सर हो साथ तो लॉ के डरने की क्या बात. माशाल्लाह. मिस्टर वाई एज 21 ईयर्स, लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट. ही वॉज लेफ्ट विद हिज ग्रांड मदर एज 85 ईयर्स. ओके सर डिपेंडेंट है, लिखा उसने आगे, इनकेपेबल ऑफ वॉकिंग एंड डिपेंडेंट अपॉन हिम. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, डिपेंडेंट अपॉन हिम. ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको जब लॉ पढ़ाऊंगा ना अभी वहां पे जाके स्लाइड में जाके पीपीटी में जाके तब आपको ये वर्ड समझ में आएंगे. ठीक है, आगे देखिए एक बार. मिस्टर एम देयर नेबर आउट ऑफ पिटी, मतलब दया भावना. ठीक है, आउट ऑफ पिटी स्टार्टेड सप्लाइंग फूड एंड अदर नेसेसरीज. सर क्या मैं बोल सकता हूँ फूड नेसेसिटी में आता है और आगे तो उसने लिखी दिया अदर नेसेसरीज टू बोथ ऑफ देम. अनसाउंड माइंड नहीं, बोथ ऑफ देम. मिस्टर वाई एंड हिज ग्रैंडमदर यूज टू लिव इन द हाउस बिल्ट बाई हिज पेरेंट्स. मिस्टर एम ऑल्सो प्रोवाइडेड ग्रैंड मदर. ओके, ग्रैंड मदर को उसने हेल्प करा फाइनेंशियली. क्यों? इमरजेंसी के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. आफ्टर सप्लाइंग नेसेसरीज टू मिस्टर वाई फॉर 4 ईयर्स, मिस्टर एम अप्रोच द फॉर्मर आस्किंग हिम टू पे बैक 15 लाख रुपीज. 15 लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ, इसमें जुड़ा हुआ है 15 लाख में जुड़ा हुआ है. क्या जुड़ा हुआ है सर? 7 लाख जुड़ा हुआ है. इंक्लूसिव ऑफ ₹7 लाख इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द लेडी. मतलब सर क्वेश्चन बताया तो क्या हो रहा है, सुना मैं आपको लिख के बताता हूं. इसको मैंने रब किया यहां पे, मैं आपको लिख के बताता हूं. सर एक मिस्टर एम है, मिस्टर एम सप्लाई कर रहा है नेसेसरीज. सर किसको? दो जन को. सर एक मिस्टर, ये खुद करोगे नहीं होगा, ये आप खुद करोगे नहीं होगा. दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो कि क्लास कितना इंपॉर्टेंट है आज का. ये आप खुद करोगे समझ में नहीं आएगा, ट्राई कर लो आप. एक मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई कौन है सर? अनसाउंड माइंड है. और दूसरा कौन है सर? दूसरा मिस्टर वाई की ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर ऑफ मिस्टर वाई. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ क्वेश्चन को एज इट इज थोड़ा यहां पे समराइज करा. एंड उसके अंदर खर्चा कितना हुआ है सर? नेसेसरी सप्लाई करने में खर्चा कितना हुआ है सर? वो मुझे बोल रहा है 15 लाख का खर्चा हुआ. 15 लाख में से 7 लाख इनका होगा, 8 लाख इनका होगा. यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, आगे. इंक्लूसिव ऑफ 7 लाख इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द लेडी, मतलब ग्रैंड मदर. ठीक है, आगे बढ़ता भाई. मिस्टर वाई प्लीडेड, मिस्टर वाई डायग्राम में दिख जाएगा वाई कहां पर है. मिस्टर वाई प्लीडेड दैट ही हैज गॉट हिज पेरेंट्स ज्वेलरी टू सेल एट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रुपीज 4 लाख. ओके, 4 लाख है मिस्टर वाई के पास, विच मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज. सर ड्यूज हैं कितने? 15 लाख. मिस्टर एम रिफ्यूज एंड थ्रेटन मिस्टर वाई ऑफ लीगल सूट टू बी ब्रॉट अगेंस्ट द रिकवरी ऑफ मनी. तो मिस्टर एम 15 लाख रुपए मांग रहा है और मिस्टर वाई क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है. ओके नाइस. नीचे नाउ यू आर टू डिसाइड अपॉन बेस्ड द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सर क्या डिसाइड करना है? विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग द सूट फॉर रिकवरी मनी एलोबेट द रिलेटेड प्रोविजन. द आंसर इज येस.
वॉट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रिकवर फ्रॉम मिस्टर एम? सर 4 लाख दिया हुआ था, पूरा 4 लाख रिकवर हो जाएगा. शैल द प्रोविजन ऑफ द अबव एक्ट ऑल्सो अप्लाई टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंडमदर? यस. अब ये मेरे हिसाब से किसी को नहीं आता था, ये मेरे हिसाब से किसी को नहीं आता था. आपको मानना पड़ेगा कि सर कुछ नया सीखने को मिला. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने खुद ने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि यार क्या मस्तम बनाया आईसीएआई ने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. आना यहां पे, मैं आपको लेके जाता हूं एक बार पीपीटी में, फिर आपको आंसर पे वापस लेकर आता हूं. देख पीपीटी में जाते हैं एक बार. देविका मैं एक्सप्लेन करा ही नहीं अब तक, पागल, मैंने अब तक एक्सप्लेन ही नहीं करा. एक्सप्लेन करना तो मैं स्टार्ट करूंगा. देख यहां पे, मैंने कहा था उस टाइम पे भी कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे यूनिट नंबर 3 के स्टार्टिंग वाले पॉइंट का. लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, इधर देख, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, इसके अंदर द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर और टू, अरे यार कलर एक बार चेंज कर देता हूं, रेड आपको दिखता नहीं है, आई डू इट टू ग्रीन. टू अ माइनर जो आपको नॉलेज है, और टू एनी अदर पर्सन whom such माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज governed बाय सेक्शन 68. मतलब द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर और टू एनी अदर पर्सन whom such माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज governed बाय सेक्शन 68. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे क्वेश्चन के अंदर whom such माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, लीगली बाउंड टू सपोर्ट मेरे क्वेश्चन के अंदर इट वॉज ग्रैंड मदर. आप इससे अग्री कर रहे हो, प्लीज एक थम्स अप देना. अरे मैं आंसर डिस्कस ही नहीं करा अब तक बाबा, ये मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा कि सर वूम सच माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, तो बाउंड टू सपोर्ट हमारे क्वेश्चन के अंदर ग्रैंड मदर था, इतना समझ में आया आपको? मुझे उतना बता दो, उतना आर बी ओके विथ इट? एक थम्स अप देना मुझे, ग्रैंड मदर वाला पॉइंट समझ में आया हो तो. वेट करो मैं. हाँ दिव्यांशी, ओनली 4 लाख कैन बी रिकवर्ड, पर हमको ये नहीं पता ना क्वेश्चन के और कुछ ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ था. इतना समझ में आया डिपेंडेंट वाला पॉइंट, ग्रैंड मदर वाला पॉइंट? मैं बोल रहा हूँ ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, खुद से करोगे नहीं समझ में आएगा. ओके मैं थम्स अप, मेरे अराउंड 20 थम्स अप आ चुके हैं. हाँ वैभव भी राइट है, वैभव भी राइट है. वापस वहां पे आता हूं, ठीक है. मेरा पीडीएफ ये रहा, तो मेरे क्वेश्चन में माइनर की जगह इट वॉज जस्ट अनसाउंड माइंड, बेसिकली सपोर्ट तो उसको भी कर ही रहे ना फॉर द नेसेसिटीज. तो देख आंसर पे आते हैं. क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्संस इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्शन नंबर 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मेरे पास एक मैसेज आ गया था वैभवी का, मैंने उसको कहा था राइट आंसर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68, जो उसने मुझे फटाक से मैसेज लिख के भेज दिया था. यहां पे इफ अ पर्सन incapable of entering into a contract or anyone who whom he legally is bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished the supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. Kitna zyada asan. Aage, in the instant case Mr. M supplied the food and other necessaries to Mr. Y who has lost his mental balance, ठीक है, incapable of contracting, incapable of contracting. Minor तो अपन पढ़कर आए हैं, पर minor के साथ ही unsolvent की बात करें, वो भी incapable of contracting. तो Mr. M supplied the food and other necessities to Mr. Y, who is lost his mental balance, and Mr. Y's grandmother, incapable of walking and dependent upon Mr. Y. Hence, Mr. Y will succeed in filing the suit to recover the money. कितना ज़्यादा आसान, सर खुद से करते समझ में नहीं आता. खुद से करते समझ में डेफिनेटली समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रिकवर फ्रॉम एम? 4 लाख. देख और कोई प्रॉपर्टी होगी ना तो उससे भी रिकवर कर लेंगे, पर 4 लाख तो डेफिनेटली रिकवर होगा. तो उसमें आंसर में आपको अजम्पशन दिया हुआ है कि सर 4 लाख तो अपने पास है ही, एंड रेस्ट फ्रॉम हाउस ऑफ वाइज पेरेंट. अजम्पशन, देख अजम्पशन लिखा हुआ है, वाई हैज इनहेरिटेड द हाउस प्रॉपर्टी ऑन डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स. वो अजम्पशन है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर 4 लाख तो लिख के आना ही पड़ेगा. 4 लाख तो लिख के आना ही पड़ेगा, ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. और एक और क्वेश्चन क्या था, शैल द प्रोविजंस ऑफ द अबव फैक्ट अप्लाई टू मेडिकल ट्रीटमेंट? वो तो डिस्कस कर लिया ना. हाँ वो तो डिस्कस कर लिया ना.
The necessaries will include the emergency medical treatment. Hence, the above provisions will also apply to the medical treatment given to grandmother. Okay, discuss. कितना ज़्यादा आसान था. खुद से करते definitely समझ में नहीं आता. खुद से करते definitely समझ में नहीं आता. इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये सब क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, जिससे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए. ये रहा, यहां पे आ जाओ. क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्संस इनकेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. माइनर तो हम पढ़कर आ गए, हमको पता है माइनर ऑलरेडी इनकेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें हमने बाकी भी कवर कर लिया. इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन व्होम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट. ठीक है, ग्रैंड मदर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था लीगली बाउंड टू सपोर्ट वाला, डिपेंडेंट अपॉन मिस्टर वाई, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ था. Is supplied by another person with the necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished the supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. और यहाँ पे भी example book में भी lunatic का दिया हुआ है. Minor तो मैं आपको पढ़ा कर आ रहा हूँ भाई, minor तो मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ. PPT open करके बता दिया, minor में तो already लिखा हुआ है ही. And just like minor, दूसरा जो incapable of contracting है, lunatic का example यहाँ पर आ गया. Unsound mind. मजा आया. आपको मानना पड़ेगा कि सर बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था. हम लोग खुद करते तो शायद क्लिक नहीं होता और डायरेक्ट एग्जाम में आता तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता. अग्री? आई होप इट इज नाउ क्लियर. आपका टाइम सेव हो रहा है. ठीक है, यहां पे आप बैठ रहे हो तो आपके जो ये क्वेश्चंस खुद आपको जो टाइम लगता वो आपका बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा. क्योंकि फटाक से आपको बता दूंगा प्रोविजन क्या है, कहां से वो प्रोविजन क्लिक हो रहा है एंड आपको एग्जाम में क्या लिख कर आना है. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. मेरे पास थम्स अप आ रहे हैं बहुत सारे. सर ये सर इसमें हार्ड लगा क्वेश्चन. भव्य तभी तो हम कर रहे हैं ना. हाँ मोहित दास, आप ध्यान रखो ल्यूनेटिक वाला मतलब अनसाउंड माइंड वाला और माइनर वाला एटलीस्ट, ये दो आप सबसे ज्यादा ध्यान रखो. भक्ति PDF हमने सेंड किया था, वापस एक बार सेंड कर देंगे, आपने बाद में ग्रुप ज्वाइन करा होगा. ठीक है, भव्य, श्रेष्ठा, अभिषेक, कौशल, सलोनी, भक्ति, समीर. समीर बोल रहा है बहुत मजा आया, थैंक यू. कशिश, देविका बोलते रिपीट करो. आशीष, ठीक है समझ में आ गया. ललित सर PDF, अरे ललित भेज दूंगा बाबा PDF. हमने ग्रुप में PDF शेयर कर दिया है, आपने ग्रुप बाद में ज्वाइन करा होगा, हम वापस से सेंड कर देंगे आज लेक्चर के बाद, पर अब अभी तो पढ़ो. हुसैन का मैसेज आ गया, ठीक है. वैभवी का आ गया, हिनिका का आ गया. लीगली बाउंड टू सपोर्ट क्या है, कैसे पता चलेगा? दिव्यांशी बता दो ना. मैं देख क्वेश्चन पढ़ना बाबा, आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा. ये देख क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन वॉज क्लियरली स्टेटिंग. ये देख यहां पे दिव्यांशी, आपके लिए रिपीट कर रहा हूं सिर्फ एक वर्ड, डिपेंडेंट अपॉन हिम. दिव्यांश, आर वी क्लियर? अभी समझ में आ रहा है? रोहित सर एक नंबर, जाकिर एक नौ, ठीक है. हर्ष बोला सर एक डाउट है, डाउट है तो पूछना भाई, डाउट है तो पूछना. सर ये आप ये वाला है ग्रुप पे व दूसरे पे भेज रहा है एडनोवेट का. ललित मैं सारे ग्रुप पे भिजवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं सब पे आज वापस भिजवा दूंगा पक्का. तो सर माइनर हो, जिसको समझ में नहीं आया उसके मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं. सर माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो, अगर मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ इन नेसेसिटीज, तो मैं उनसे पैसा रिकवर कर सकता हूँ. सर कितना कर सकता हूँ? जितना उनको एस्टेट मिला उतना मैं रिकवर कर सकता हूँ, सिर्फ नेसेसिटी सप्लाई करा उसका. और अगर ये माइनर या ये अनसाउंड माइंड का कोई रिलेटिव है जो इन पे डिपेंडेंट है, अनसाउंड माइंड पे माइनर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कोई एजेड, तो उसका जो खर्चा है सर उसका मैंने पेमेंट करा, वो भी मैं रिकवर कर सकता हूँ. तो आई होप जो रिपीट करने का बोल रहे थे अब क्लियर हो गया होगा. दिव्यांशी, मयूरेश, प्लीज गिव मी अ थम्स अप. अर्पिता, आपने भी रिपीट बोला था, आई होप इट इज नाउ क्लियर. सर मिस्टर एम केस पे किस पे करेगा, मिस्टर वाई या ग्रैंड मदर पे? मिस्टर वाई इज अनसाउंड, सो उस पे केस नहीं हो सकता. अरे अपन कोर्ट में जाकर ऐसा बोलेंगे, सिर्फ ऐसा बताना है कि हमने नेसेसिटी सप्लाई करी है, हमें वो नेसेसिटीज का जो भी खर्चा है हमें वो वापस चाहिए, तो ठीक है, अपन ग्रैंड मदर पे कर देंगे केस, क्या प्रॉब्लम है. मयूरेश का आ गया, ऐसा थैंक यू सो मच. उसके बाद और कोई मेरे पास है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर रहा है हर्ष, वहां कहां पहुंच गया, तो इस क्वेश्चन पर पागल हो गया है. एनीवन एल्स जिसका डाउट था, आई होप क्लियर. अर्पिता का मैसेज नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं. आशीष का मैसेज आ गया, देविका का भी आ गया, ठीक है, देविका का भी मैसेज आ गया, समझ में आ गया. ऐसा करके अर्पिता दीदी क्या कर रही है पता नहीं, ठीक है अर्पिता दीदी, फिर आपका क्वेश्चन मैं एंटरटेन नहीं करूंगा,
अगर आपका फिर रिप्लाई नहीं आ रहा तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत डिफिकल्ट था, हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन 7 थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात नहीं करें अपन, अपन फोकस करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन 7 आई कैन सी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऑलरेडी कर लिया। सर डिफाइन कंसीडरेशन, व्हाट आर द लीगल रूल्स एसेंशियल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन। इजी है सर, कंसीडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसर, ठीक है, कंसीडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसर आपको दिखा होगा पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2 आई कैन सी मे फ्रॉम मूव फ्रॉम द प्रोमिसर एनी अदर पर्सन, ठीक है, need not be educate, सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इट कैन बी एक्ट और एब्सटेंस, आई कैन सी ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो किसरी क्वेश्चन है, थर्टिकल है। उसके बाद कल्पना का मैसेज है, कोई पढ़ रहा हूं मैं, तब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ लो। देख चार तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार एमटीपी में आया था, एक बार आरटीपी में आया था, एक बार एग्जाम में आया था। आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। सर मतलब 400,000 नेसेसिटीज के लिए क्लेम कर सकता है और मेडिकल का 700,000 कहां से क्लेम करेगा अगर प्रॉपर्टी नहीं बची तो? कल्पना अगर प्रॉपर्टी नहीं बची तो क्लेम नहीं करेंगे, बेड डेट्स। कल्पना थम्स अप दे दो प्लीज, समझ में आ गया? तो अगर प्रॉपर्टी नहीं बचा तो क्लेम अपन को पैसा वापस रिकवर नहीं होगा, बेड डेट्स हो जाएगा। कल्पना दीदी थम्स अप, इस समझ में आया तो। मोहित दास विश्वनाथ सर इज नॉट द नेम, इट्स एन इमोशन, अरे थैंक यू। हुसैन सर 21 की एज में माइनर क्यों, कैसे हुआ सर? अरे हुसैन बाबा क्या कर रहे तू पागल, मैं तुझे बता रहा हूं कि यहां जो लिखा हुआ है ये देख, तेरे वापस कर रहा हूं हुसैन भाई, आपके लिए वापस एक बार कर रहे हैं, आपको समझ में अगर नहीं आया तो देख मैं क्या बोल रहा हूं तेरे को। सेक्शन 68 के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो अपन माइनर में पढ़ चुके हैं, मैं आपको कनेक्ट कराने की ट्राई करवा रहा हूं। देख क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इनकेपेबल के अंदर कैन आई से माइनर आ गया और माइनर अपन पढ़कर आ चुके हैं, वहां भी सेम प्रोविजन है, और माइनर के अलावा कोई अनसाउंड माइंड है तो भी प्रोविजन सेम है। अरे वही तो पढ़ रहे हैं, देख यहां पे ल्यूनेटिक और माइनर, तो माइनर तो मैं को पढ़ा के आ चुका ना, उसके जैसा ही सेम जैसा वहां लिखा था वैसा ल्यूनेटिक के लिए भी एप्लीकेबल है कि मैंने किसी को नेसेसरी सप्लाई करी है तो मैं रिकवर कर सकता हूं सारा खर्चा, वो सामने वाला ल्यूनेटिक है या अगर माइनर है तो, एंड उस पर अगर कोई डिपेंडेंट है उसका खर्चा करा वो भी रिकवर कर सकता हूं। आई होप इट इज नाउ क्लियर डाउट जिसका था। हुसैन शेख भाई ठीक है, उसको समझ में आ गया, ठीक है, उसका मैसेज आ गया। इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, यस मोहित इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन वेरी गुड। सर ग्रैंड मदर वाले के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं? अरे वही प्रॉपर्टी से ही क्लेम करेंगे बाबा। सर फेस का आंसर मैंने दे दिया, हुसैन याद आ गया सर, ठीक है। आर्ट ओशन सर आप बोल रहे थे पैसा बहुत है, दुआ की जरूरत है, होप एवरीथिंग इज फाइन विथ योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। मेरी हेल्थ तो फाइन ही है, मैं चंगा हूँ, बच्चा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, गॉन। तो 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात नहीं करें अपन, ठीक है, कल ही किया था अपन वैसे भी। 9th अगेन थ्योरेटिकल, मियर साइलेंस इज टू फैक्ट्स इज नो फ्रॉड, ठीक है, कल हमने क्लास के अंदर डिस्कस, हम फोकस कर रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, आज का लेक्चर ही केस स्टडी क्वेश्चन वाला था, ये हमने वैसे भी अभी खत्म किया था, रिसेंटली खत्म किया था, डिफरेंस बिटवीन है। ये वापस से थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, हमने कल ही डिस्कस किया था, याद है मैंने कहा था ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉसी के अंदर, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो अपन कल बात कर रहे थे, ठीक है, वो सारे यहाँ पे हैं, कल ही डिस्कस किया था अपने कॉसी लास्ट में। व्हाट आर द इंस्टेंसेस, अच्छा क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन आया, प्लीज 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 मार्क कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करो फोकस करो। एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम में आ चुका है 7 मार्क का, ये देख 7 मार्क का आ चुका है December 21 के अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फोकस करिए सर। सर नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ये मेंशन किया तो कैसे समझ में आएगा एक्सेप्शन लिखना है? अरे मैं आदित्य का अच्छा क्वेश्चन है सर, नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट लिखा तो समझ में कैसे आएगा कि एक्सेप्शन लिखना है? तू देख सामने कितने मार्क्स का है, अगर 7 मार्क्स का है तो एक्सेप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। आदित्य आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर पाया। आशीष बोल रहे क्रिस्टल क्लियर सर, ठीक है। आर्ट ओशन सर खैरियत हो जाएगा सर, आई डोंट वरी, हम सबकी अच्छी अच्छी विशेष है बेबी के साथ, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। सर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या? मोहित हमने अभी तो डिस्कस किया था, इट इज 50-50, 50% आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 50% आउटराइट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दिव्यांशी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हूं मैं, प्लीज फोकस करिएगा, हमको एक क्वेश्चन आता है बट आप शायद मार्क्स लूज कर जाओ अगर आपको चीजों को समेटना नहीं आता है, तो मैं आपको चीजें समेट के बताता हूँ। क्वेश्चन देखना, वॉट आर द इंस्टेंसेस फॉर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट।
सर कैन आई से, हमने तीन टॉपिक पढ़े थे, कल ही पढ़े थे, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन. मर्जी से हुआ था आपने. नोवेशन का मतलब क्या, रिवाइज करवा रहा हूँ, रिविजन में रिविजन करवा रहा हूँ. ललित एक इन्फेक्शन हुआ है, ललित इन्फेक्शन हुआ बच्चे को. यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था सर नोवेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन वर्ड डिस्कस किया था कि सर पुराना कॉन्ट्रैक्ट गया, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, दैट वॉज नोवेशन. तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ डिस्चार्ज हो गया, वो कुछ भी नहीं करने का, जो पुराना था वो गया खत्म. रेसेशन में क्या पड़ा था, सर पुराना कॉन्ट्रैक्ट चला गया. अब जब कॉन्ट्रैक्ट ही चला गया तो आपको अब वो सब भी नहीं करना है, तो वो भी डिस्चार्ज हो गया खत्म, कुछ नहीं करने का. एंड ऑल्ट्रेशन के अंदर पहले एक्स था, एक्स को काट के अपने वाई कर दिया, मतलब एक्स वाली चीज अब नहीं करनी है, तो वहां भी डिस्चार्ज हो गया. तो तीन टॉपिक तो अपने कल ही करे थे ना, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन. तो वो तीन तो क्लियर है. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सुमन, थैंक यू सो मच, सुमन थैंक यू सो मच. देख नीचे कर रहा हूं, उसके अलावा भी पॉइंट है, उसके अलावा भी पॉइंट है. आप शायद ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो, आई डोंट नो, देयर इज अ वर्ड वर्ड कॉल्ड रेमिशन. रेमिशन, रेमिट वर्ड से एक वर्ड है रेमिशन. सर नहीं समझ में नहीं आया मुझे, बताओ ना उसका मतलब, बताओ ना. देख रेमिशन का मतलब समझना, मैं एग्जाम्पल लेता हूं किसी का. लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ कल्पना. कल्पना दीदी का एग्जाम्पल लेते हैं. यहां पे कल्पना दीदी है और नीचे कशिश दीदी है, ठीक है. कल्पना दीदी है और कशिश दीदी है. नाउ कल्पना दीदी ने कशिश दीदी को लोन दिया रुपीस 10 लाख का, ठीक है, जो कशिश दीदी को रीपे करना है. देवी का थैंक यू सो मच, मीन्स अलॉट, मीन्स अलॉट. ललित थैंक यू सो मच, मीन्स अलॉट. तो कल्पना दीदी ने लोन दिया 10 लाख का कशिश को. अब कशिश को रीपेमेंट करने का टाइम आ गया, कशिश का रीपेमेंट करने का टाइम आ गया. अब कशिश दीदी का है ना इतना ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है कि वो 10 लाख रीपे कर सके. तो कशिश ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया. मोहित वेरी गुड, मोहित वेरी गुड. कशिश ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया कि यार मैं तो कल्पना है ना तेको पे कर ही नहीं सकती, मेरे पास तो है ना 10 लाख रुपए है ही नहीं, तो आई एम सो सॉरी. अब कल्पना क्या बोल रही है कशिश को कि ब्रो तेरे पास कितने पैसे पड़े हुए मुझे वो बता. कशिश बोलते मेरे पास खाली 7 लाख है, उसके ऊपर मेरे पास है ही नहीं. अब कल्पना पता है क्या सोच रही है कि 7 लाख ले लेती हूँ, जितना आ रहा है उतना ले लेती हूँ, पता पड़ा वो भी नहीं आएगा. तो कल्पना कशिश को क्या बोलती है, चल एक काम कर तू ब्रो मुझे पूरा 7 लाख रुपए दे दे और सारा हिसाब किताब खत्म हो गया ऐसा तो मान ले. मतलब कल्पना को डर लग रहा था कि कहीं ये 7 लाख भी ना मिले. तो कल्पना ने कशिश को क्या बोला कि तेरे पास जितना है मुझे दे दे, बाकी जाने दे. कहने से 3 लाख रुपए रेमिट कर दिया, रेमिट जाने दिया, नुकसान कर दिया, नहीं तो क्या पता 7 लाख भी नहीं मिलता. तो 7 लाख लेके 10 लाख डिस्चार्ज कर दिया. तो कहने से 3 लाख जाने दिया, कहने से दिस इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आया सर, प्लीज मुझे बताइए एक बार. मैं बहुत ही टट्टी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतना आसान स्पून फीडिंग करने की ट्राई कर रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल सुनो और आपको याद आ जाए और टॉपिक अंदर भेजे में उतर जाए. आर वी क्लियर विथ रेमिशन, आर वी क्लियर विथ रेमिशन, प्लीज टेल मी नो. वर्ड वर्ड भारी है पर मतलब कितना आसान है. रेमिट छोड़ दिया, जाने दिया, रेमिशन. आर वी क्लियर, प्लीज गिव मी थम्स अप. हाँ जितना है आने दो. हुसैन वेरी गुड. भव्य हाँ बाकी बैंडेट्स, 3 लाख बैंडेट्स हो जाएगा. अभिषेक का मैसेज है, कौशल का मैसेज है, कल्पना का मैसेज है, समीर का मैसेज है, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग समीर. कशिश, श्रेष्ठा, ओके ओके ओके. हाँ मतलब रेमिट मतलब जाने देना, रेलिंक्विश छोड़ देना, ठीक है. मयूरेश आई होप इट इज क्लियर. आशीष, जाकिर, भव्य, देविका, रोहित, बिपिन, श्रेया, दिव्यांशी वेरी गुड, हिनिका, जैनिल, कैंसे, जैनिल बोल सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता है, कैंसे. कशिश, क्रिश, सजादी खान, ओके बहुत सारे मैसेज आ गए मेरे पास माशाल्लाह. तो देख इन 4 पॉइंट पे फोकस करते हैं. या सर नोवेशन, आई कुड सी नोवेशन, ठीक है. आशीष, जैनिल, सानिया, राशि, वैशाली, मयूरेश, थैंक यू सो मच. नोवेशन, नोवेशन के बाद सर क्या दिख रहा है आपको, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन आ गया सर. रेमिशन ये रहा, रेमिशन अभी सीखा अपन ने, उसके बाद रिसेशन, ठीक है. तो 4 पॉइंट आपको फटक से करने चाहिए, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन और रिसेशन, ठीक है. वेवर मर्जर ठीक है, आप एक बार पढ़ के इग्नोर कर सकते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है. इसलिए वेवर मतलब ये होता है जाने देना, छोड़ देना, एबंडनमेंट, कि आप मुझे पैसे देने वाले थे, मैंने कहा यार छोड़ मत दे, नहीं चाहिए, ठीक है. वेवर पूरा का पूरा जाने दिया. रेमिट के अंदर थोड़ा सा, वेवर में पूरा, ठीक है.
वेवर मीन्स एबेंडनमेंट ऑफ राइट, छोड़ देना, जाने देना. एग्जाम्पल देखते ना, वेवर ऑफ फार्मर्स बैंक लोन बाय गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार ये फार्मर लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है, इट इज नॉट गुड, किसी की डेथ हो रही है क्योंकि लोन रीपे नहीं कर पा रहे, इसलिए तो जा पूरा लोन ही माफ कर दिया, ठीक है, दैट इज वेवर. लास्ट वाला मर्जर, अच्छा पॉइंट है. एक ऐसा समझ, मैं एक रेंटेड सोसाइटी में रहता हूं, सपोज मैं एक रेंटेड घर में रहता हूं, अगर मैं वो घर खरीद लूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अब मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा? अरे पहले मैं वहां पे रहता था एज अ टेनेंट, तो मैं रेंट पे करता था, अब मैंने क्या किया, वो घर ही खरीद लिया. अब जब मैंने घर खरीद लिया तो नाउ आई हैव अ सुपीरियर राइट. अब जब मेरे पास सुपीरियर राइट आ गया तो अब मुझे रेंट पे नहीं करना है ना, तो डिस्चार्ज हो गया, दैट इज मर्जर. इंफीरियर राइट का मर्जर हो गया सुपीरियर राइट के साथ, तो इंफीरियर वाला गया, ठीक है. बहुत ज्यादा आसान मेरे हिसाब से, एक बार में समझ में आ जाता है, ठीक है, एक बार में समझ में आ जाता है. तो ऑल दो इट वॉज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, मुझे केस स्टडी क्वेश्चन करवाने हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन था, पर मुझे ऐसा लगा कि क्लास में कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो मैंने करवा दिया, फिर भी करवा दिया. ऐसा कोई भी एलिमेंट जिससे आपका एक मार्क, दो मार्क, तीन मार्क भी बढ़ जाएगा ना सर, मैं करवा ही दूंगा, ठीक है, आपके बिना बोले मैं करवा दूंगा. तो रेस्ट अश्योर, चिल मारिए, मैं सब करवा के ही जाऊंगा आपको, ठीक है. ऑल दो दिस वॉज नॉट अ केस स्टडी क्वेश्चन, बट मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, एग्जाम में आ चुका है 7 मार्क का, और आपको नहीं आता होगा, मैंने करवा दिया. लाइक कर दो वीडियो को, बेशर्मो अब तक नहीं करा तो, कमेंट तो आप लोग वैसे भी नहीं करते हो, कमेंट में कंजूसी करते हो. लाइक मेरे पास खाली 88 लाइक्स हैं, ठीक है, कमेंट तो आप लोग वैसे भी कंजूसी करते हो. अगला एग्जाम का क्वेश्चन, आई कैन सी July 21 5 मार्क का क्वेश्चन आया था सर. सर क्वेश्चन क्या है, वॉट इज मेंट बाय सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, वेन इज कॉन्ट्रैक्ट सेट टू बी डिस्चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी. सर कहना है इसे सेक्शन नंबर 56 की बात कर रहा है, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी. केस में समझा देता हूं, फेस बता देंगे, ठीक है. मोहित कौन सा क्वेश्चन देखना है बता. अरे भव्य थैंक यू यार, थैंक यू मीन्स अ लॉट. तनिष बोलता है आपके लिए लाइक कर दिया पागल. रिया बोलती है आई कमेंटेड ऑन वीडियो. पता नहीं यार, मैंने कल का वीडियो देखा, कल के वीडियो में तो एक भी कमेंट मतलब मुझे दिखा नहीं. लाइक्स थे, बहुत सारे लाइक्स थे, 150 जितना लाइक्स थे, कमेंट मुझे तो नहीं दिखा कल के, मैं जब देखा था तब, कल के लेक्चर में आई कुड नॉट सी एनी कमेंट, पता नहीं. भाई आया सब करके जाएगा, नाइस. अब यहां पे हाँ 56 मैसेज आ गए मोहित, वेरी गुड, ठीक है. सुपर विनिंग मतलब इम्पॉसिबल क्या सर, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वॉज वैलिड, पर आगे जाके ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि वो चीज आगे बढ़ नहीं सकती. अब जैसे ही बढ़ नहीं सकते हम उसको बोलेंगे सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. आओ यहां पे केला, ठीक है, केसेस बताया उसने, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने कल एग्जांपल लिया था इसका कि सर फैक्ट्री में आग ही लग गई तो हम आपको जूते बना के कैसे देंगे, ठीक है. लॉ चेंज हो गया, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम आपको गुटखा सप्लाई करेंगे, अब महाराष्ट्र के अंदर गुटखा बैन हो गया एकदम से, तो अब आपको माल सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लॉ चेंज हो गया, जो चीज पहले लीगल थी अब वो इलीगल हो गई, तो आई कैन नॉट सप्लाई टू यू, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया. नॉन अक्रेंस, उस शादी वाला बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी इच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, ए गोज मैड, तो कुछ हो गया उसके से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ठीक है. थ्री क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 2 आ गया. चैप्टर नंबर 2 में मूव करने से पहले मैं करवाऊंगा आपको कंपनी लॉ के केस लॉस. कंपनी लॉ के केस लॉस, आर यू रेडी? कंपनी लॉ के केस लॉस, आर यू रेडी? इतना अच्छे से कराऊंगा कि आपको एक बार में नाम भी याद हो जाएगा, नाम याद करवाऊंगा और टॉपिक के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी याद करवाऊंगा. आर वी रेडी? आर वी रेडी? कॉन्ट्रैक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, कर दिया है वापस कर दूंगा. आर वी रेडी फॉर द केस लॉज ऑफ कंपनीज एक्ट? प्लीज लेट मी नो, मैं फटाक से ओपन कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे. मुझे बता दो इफ वी आर गुड टू गो. मैसेज मेरे पास, यस सर रेडी 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 रेडी, यस सर यस सर यस सर यस यस सर रेडी, थम्सअप, बहुत सारे थम्सअप आ गए. चंचल राम रेडी सर, मिस्टर ग्रामर रेडी, यस सर लेट्स गो, यस ऑलवेज सर रेडी स्टडी पो. रिया आई थिंक आपने डायलॉग यूज करा,
चेन्नई एक्सप्रेस का, चेन्नई एक्सप्रेस में था रेडी स्टडी पो, ठीक है, चंचल राम यस सर रेडी माशाल्लाह। तो अब स्टार्ट करें, इस तरह पढ़ाऊंगा, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा, ठीक है, कभी नहीं पढ़ा होगा। आओ यहां पे, सेलोन एस सेलवन कंपनी लिमिटेड, आई थिंक वी नो दिस केस लॉ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि सर वी हैव समथिंग कॉल्ड सेपरेट एंटिटी, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, ठीक है, अगर कुछ भी गलत होता है तो आप बेसिक कंपनी के अंदर कुछ भी गलत होता है तो आप कंपनी को पकड़ोगे, मेंबर्स को नहीं पकड़ोगे, बिकॉज कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। सर जजमेंट कहाँ पे आया था? सेलोन एस सेलवन कंपनी लिमिटेड, इसमें कोई लाइफ में लोड नहीं है, जो मुझे आपको सिखाना है ना, जो आपको नहीं आता, दैट इज दिस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये सबसे अच्छा टॉपिक है जो डिफिकल्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं आपको पिक्चर से समझाने की ट्राई करता हूं कि देख कितना अच्छा इजी टॉपिक है, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग, एकदम फोकस करना, एकदम फोकस करना, मैं गारंटी देता हूं आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली ट्रेडी है क्योंकि मैंने टीवी में ज्वाइन किया है, ओके ओके ओके, यहां पे अपना बोला तो रेडी, आपने बोला तो रेडी हो गया, यस सर करेक्ट, आई हैव यूज्ड द डायलॉग, नाइस नाइस रिया, देख आई एम सो सुपर स्मार्ट, देख इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से, मैं पांचों केसों करवा रहा हूं, याद करवा दूंगा, नाम के साथ याद करवा दूंगा, सुन ले प्लीज, ठीक है, सुन ले। डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी, सर क्या हुआ था, देख एक कंपनी है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, सर क्या है वो, कंपनी फॉर्मड इन इंग्लैंड विथ ऑल द शेयर होल्डर्स जर्मन, उसके कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स जर्मनी के हैं एक्सेप्ट वन, एक शेयर होल्डर को छोड़ के सारे शेयर होल्डर जर्मनी के हैं और सारे डायरेक्टर्स भी जर्मनी के हैं। अब नाम में दिख रहा है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, तो इन्होंने टायर बेचा, देख टायर बेचा डाइमलर कंपनी लिमिटेड को, डाइमलर कंपनी लिमिटेड कौन है सर, कंपनी फॉर्मड इन इंग्लैंड, ठीक है सर। सर फिर क्या हुआ यार, वर्ल्ड वॉर आ गया, वर्ल्ड वॉर, देख इट वॉज वर्ल्ड वॉर वन एंड जर्मन्स वर एट वॉर विद इंग्लैंड, और हम तो पढ़ चुके हैं सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बहुत से पढ़ चुके हैं एलियन एनिमी वाला पॉइंट कि सर एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इट इज नल एंड वॉइड। तो यहां पे डाइमलर कंपनी ने भी वही बोला कि यार देखो हम आपको, आपसे हमने टायर तो ले लिए पर हम आपको पैसा नहीं देंगे, तो कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी ने क्या बोला पता है, क्या पैसा क्यों नहीं दोगे, तो डाइमलर ने बोला था कि वर्ल्ड वॉर हो चुका है और आप हमारी एनिमी कंट्री हो और कॉन्ट्रैक्ट विद एनिमी इज वॉइड, नल एंड वॉइड, जीरो होता है, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। देख क्या लिखा है, इट वॉज वर्ल्ड वॉर वन एंड जर्मन्स वर एट वॉर विद इंग्लैंड, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाइमलर कंपनी रिफ्यूज टू मेक पेमेंट टू कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी क्लेमिंग ट्रांजेक्शन टू बी वॉइड एब इनिशियो एज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनिमी। सर फिर क्या हुआ, मैटर कोर्ट में गया एंड डाइमलर कंपनी जीत गया। आपको अगर इसमें वो नहीं आ रहा ना फील, मैं आपको फील देता हूं, देख लेट मी गिव यू द फीलिंग ऑफ द केस लॉ, मैं आपको फीलिंग देता हूं, सुन इधर देख, सुना यहां पे, इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं आपको एकदम इंडिया का डायग्राम बना के बताता हूं 10 सेकंड में, बन गया, हाँ यहां पे, तो दिस इज इंडिया, ठीक है। अब अपने इंडिया के अंदर वी हैव अ कंपनी जो पाकिस्तान की है, ठीक है, इंडिया के अंदर एक कंपनी काम कर रही है जो पाकिस्तान की है, यार ठीक है कोई बात नहीं, हमारे नेबर हैं और ठीक है, वी आर गुड, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वो कश्मीर में जो भी हो रहा है, ठीक है, हम सब भाई भाई हैं, ठीक है, जो भी है। तो एक कंपनी है यहाँ पे पाकिस्तान की जो इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है। अब बिजनेस में क्या होता होगा सर, पाकिस्तान की कंपनी इंडिया के लोगों को गुड्स बेचता होगा या सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा, उसके बदले में अपने जो इंडियंस हैं वो इस पाकिस्तानी कंपनी को पैसा देते होंगे, हम जो इंडियन लोग हैं हम इससे गुड्स अगर परचेस कर रहे हैं तो हम इसको पैसा देते होंगे। सर ये पैसा ये ले जाता होगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स पे करता होगा। तो सपोज उसने इंडिया से 100 रुपया कमाया, पाकिस्तान में गया और वहां जाके उसने 30 रुपए का टैक्स पे करा, किसको, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत कब आएगी, जब इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा मतलब कश्मीर पे जंग छिड़ गई, जैसे 1971 में हुआ था उसके पहले हुआ था,
इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई यार, अभी ये बहुत गलत हो रहा है। जस्ट इमेजिन, आप इंडियन, अपन भारतीय, ठीक है, अपन पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान की कंपनी को, पाकिस्तान की कंपनी पैसा दे रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट वही पैसे से इंडिया के खिलाफ गोला बारूद बंदूक परचेस कर रही है। मतलब मैं एज एन इंडियन मेरे ही कंट्री की बैंड बजा रहा हूं यार, ये तो गलत है ना यार, मानना पड़ेगा ना, ये तो गलत है ना। तो सर जब एनिमी कंट्री हो जाती है, जब दुश्मनी हो जाती है, तब उस एनिमी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, मतलब इट इज बेसिकली वॉइड, ठीक है, वो वॉइड हो गया। समझ में आया आपको? मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई करी आपको ये केस लॉ इंडिया पाकिस्तान के एग्जांपल से, कि आपको भावना आए, आपको फीलिंग आए कि यार केस लॉ में यहाँ पे डाइमलर वाले में हो क्या रहा है। तो कॉन्टेंट आया रबर कंपनी वर्सेस डाइमलर, ठीक है, नाइस एक्सप्लेनेशन टू द कंसेप्ट विद प्रॉपर एग्जांपल सर हितेश, थैंक यू, थैंक यू। अब देख याद कैसे करें सर, इसको हम याद कैसे करें, ठीक है, हमको जजमेंट पता है कि सर इट इज नल एंड वॉइड, जजमेंट आ गया, ठीक है, याद कैसे करें? देख मैं बताता हूं, मेरा फोकस आपको याद करवाना ही है। तीन लेटर बोल रहा हूं सीक्वेंस में, सी डी और ई, तीन लेटर बोला मैं आपके साथ सीक्वेंस में, सी डी और ई। हम जो पढ़ रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, उसमें ये टॉपिक कौन सा है सर? एनिमी कैरेक्टर। एनिमी कैरेक्टर के अंदर डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, याद हो गया? सी डी ई सीधा लिखा, फिर मैं इसको डिकोड उल्टा करा। एनिमी कैरेक्टर के अंदर डाइमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, याद हो गया? याद हो गया, आई होप इजी लगा होगा याद करना इस तरीके से, सी डी ई और फिर ई इज एनिमी कैरेक्टर, एनिमी कैरेक्टर के अंदर डाइमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल एंड रबर कंपनी, आई होप याद करना आसान लगा होगा इंशाल्लाह। रिया का थम्स अप है मेरे पास, आई एम ट्राइंग कि आपको याद हो यार, आई एम ट्राइंग कि अल्टीमेटली याद हो। देख पढ़ा सबने है, मोटा मोटी सबको आता है, पर अगर आप फिर भी मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मैं ऐसा कुछ तो आपको दूं कि आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो, तो मैं आपकी लाइफ में वो वैल्यू एडिशन देने की ही ट्राई कर रहा हूं कि आपका कुछ भी करके आपका भला हो जाए, आप पास हो जाओ तो फिर अपन इंटर में मिलें, ठीक है। रिया बोलती है वाह सर टेक्निकल गुरुजी, मां कसम, ठीक है माशाल्लाह। तो सर इसमें आप ये तो बताओ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किसका हुआ? सर आप ये तो बताओ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किसका हुआ? क्या मैं लॉजिकली बोल सकता हूं कि सर हमने कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी के पीछे जाके देखा कि ये इंग्लैंड की कंपनी नहीं, ये तो जर्मन की कंपनी है। देख व्हील का मतलब क्या? पर्दा। देख व्हील का मतलब क्या? पर्दा। पर्दे के इस तरफ कंपनी है, पर्दे के इस तरफ मेंबर्स हैं। तो बाहर से अपन किसको देख रहे हैं? कंपनी को देख रहे हैं। फिर हमने क्या करा सर? इस पर्दे को हटा दिया, और पर्दे को हटा के क्या देखा कि पर्दे के पीछे जो मेंबर्स हैं, अरे वो तो जर्मनी के हैं। अब जब वो जर्मनी के हो गए तो एनिमी कैरेक्टर वाला केस लॉ आ गया एंड हमको समझ में आ गया। तो कहने से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हुआ कॉन्टिनेंटल रबर कंपनी का। देख आपको वहां पर निशान दिख जाएगा ब्लैक कलर का। आर वी क्लियर? मस्त समझ में आया होगा इंशाल्लाह। आर वी क्लियर? संजना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ मोहित दास, मैं एमएक्स में करूंगा, इंडो मैनेजमेंट पे भी आऊंगा सर, फिर पिज्जा पार्टी करेंगे 9 बजे। अरे झा वो तो वही ना, एक मैसेज है झा अश्विन का, अपने डिस्कस किया था ना लोअर कोर्ट अपर कोर्ट वाला, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। पर्दे के पीछे क्या है वही जाके देखा हमने। यस 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 यस, ठीक है। तो याद करने की ट्राई करिए आपको केस लॉ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें। देख इस भैया को देखो, इस भैया को देखो, भैया का नाम है डिनशॉ मानिक जी पेटिट, भैया का नाम है। रिया अंसानी थैंक यू सर, तुसी छा गए, थैंक यू, ये सर पूरा समझ में आ गया माशाल्लाह, क्लियर सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देख ये भैया को देखो ध्यान से, ये भैया है डिनशॉ मानिक जी पेटिट। अब इनके पास बहुत सारा पैसा था, तो इन्होंने बहुत सारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। अब अगर बहुत सारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से रिटर्न्स मिलेंगे सर, रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपने डिबेंचर्स और बॉन्ड सब्सक्राइब करे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इक्विटी प्रेफरेंस आपने खरीदा हुआ है तो आपको डिविडेंड मिलेगा,
तो वैसे ये भैया को भी बहुत सारा पैसा मिलता था इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में डेंशो मारी जी पेटेंट को बहुत सारा इंटरेस्ट डिविडेंड का इनकम हो रहा था। अब सर उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, तनिष्क आते हैं हगने पर आते हैं, सर प्रॉब्लम क्या हुआ, अब इस डिंशो भैया को बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ रहा था, क्योंकि इतना सारा इनकम आ रहा है तो आपके इनकम अगर हाई होगी तो उस पर टैक्स भी पे करना करना पड़ेगा। तो डिंशो भैया को टैक्स पे करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो डिंशो भैया ने क्या करा, चार प्राइवेट कंपनी ओपन करी, ये देख चार प्राइवेट कंपनी ओपन करी और अपना इन्वेस्टमेंट्स इनके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो जो इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा था अब वो इन कंपनियों को आ रहा है, देख ठीक है। अब ये सारा इंटरेस्ट डिविडेंड जो पहले डिंशो भैया को मिल रहा था अब वो डिंशो भैया को ना मिलके इन प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है। सर फिर क्या हुआ, फिर यही पैसा जो प्राइवेट कंपनी को मिल रहा था उसने वापस से खुद ले लिया लोन के फॉर्म में, ये देख यहां पे लोन। अब लोन पे तो टैक्स पे करते नहीं है, टैक्स किसे पे करते हैं अपन, इनकम के ऊपर, लोन पे थोड़ी टैक्स होता है। मतलब भैया ने चार प्राइवेट कंपनी बनाई उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करके इंटरेस्ट और डिविडेंड का इनकम उसमें दिखा दिया, खुद में नहीं दिखाया, और फिर उन्हीं कंपनी से ऐसा दिखा दिया कि मैंने लोन ले लिया, अब लोन पे टैक्स लगता नहीं है। मतलब कान ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, उसने तो यही ट्राई करा ना कि पैसा खुद के पास डायरेक्टली नहीं आया, घुमाकर आया। और प्रॉब्लम पता है कहां पे हुआ, ये चार प्राइवेट कंपनी जो थी ना ये सिर्फ पेन और पेपर पे थी, इसको अपने बोलते हैं शेल कंपनी, शेल कंपनी, डमी कंपनीज, शैम। ये प्रॉब्लम था केस लॉ के अंदर कि प्राइवेट कंपनी को बनाने का सिर्फ एक ही वजूद था, और वजूद सिर्फ ये था कि हम टैक्स का इवेजन कर सकें। तो सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील किसका होगा, सर कहने से इन चार प्राइवेट कंपनीज का होगा, ये देख इन चार प्राइवेट कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट, हमने लिफ्ट करा अपन ने, एंड हमने पकड़ा के देख ये चार कंपनी के पीछे डिंशो मांझी पेटेंट छुपा हुआ है जो टैक्स पे नहीं कर रहा है, ये समझा आपको, तो मैं आपको केस लॉ का नाम याद करवा दूंगा, पहले ये समझा, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ये समझा तो। हाँ जनरल डिविडेंड इंटरेस्ट, डिविडेंड को बचाने के लिए दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये सर नया कंपनी खोल दिया, ये सर सबसे कंपनी खोल दिया, ठीक है इवेजन ऑफ टैक्स, ठीक है सर चैप्टर बीसी के सिक्स में हम डाइवर्सिफिकेशन में, यहाँ तो अलग अलग कंपनी इन्वेस्ट करना, हाँ उससे कनेक्टेड ही है सर, डमी कंपनी खोल के टैक्स बचाने, ठीक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी टू डिवाइड इनकम, ठीक है याद तक समझा आपको, तो मैं आपको नाम याद करवा दूंगा पक्का, प्रॉमिस 2 मिनट में नाम याद करा सकता हूँ मैं आपको। पहले ये केस समझा, केस में हुआ क्या, हमने उन चार प्राइवेट कंपनी के पीछे जाके देखा कि अच्छा ये कंपनी के पीछे तो डिंशा भैया छुपे हुए हैं और टैक्स बचा रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉपी विल करेंगे इन चार प्राइवेट कंपनी का, इंशा अल्लाह आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है नाम याद करते हैं। हो गया, दिन दहाड़े टैक्स की चोरी, दिन दहाड़े टैक्स की चोरी, दिन से दिनशो माणिक जी पेटिट, दिन दहाड़े टैक्स की चोरी से दिनशो माणिक जी पेटिट वर्सेस सीआईटी, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सर आर यू क्लियर, मैं आपको नाम याद कराने की ट्राई कर रहा हूं, दिन दहाड़े टैक्स की चोरी, वो दिन दहाड़े में दिन से दिनशो माणिक जी पेटिट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आर वी क्लियर, आर वी क्लियर, नाम याद करने की बात कर रहा हूं, टॉपिक तो आता है सबको, मैंने आदित्य सर ने पढ़ाया होगा, बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, मैं आपको बोल रहा हूं नाम याद करने का तरीका, आई होप नाम याद हो गया होगा, प्लीज लेट मी नो इन केस यू कैन नाउ रिमेंबर द नेम, ओके मेरे पास थम्स अप आ रहे हैं बहुत सारे, दिनशॉ सीएटी लिखा तो चलेगा क्या, नहीं पूरा लिखना पड़ेगा, दिनशॉ माणिक जी पेटेंट वर्सेस सीएटी पूरा लिखना पड़ेगा, मैं आपको केस लॉ का नाम याद करवा रहा हूं बहुत आसान तरीके से। कल्पना यू आर ग्रेट सर, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच कल्पना दीदी, लाइक कर देना वीडियो, अगर लाइक नहीं करा तो
100 लाइक से सिर्फ अपन दो कदम दूर है, 98 लाइक्स हैं, 97 लाइक्स हैं। सर तुसी छा गए, रिया थैंक यू सो मच। दिनशॉ सीआईटी चलेगा क्या? नहीं पूरा लिखेंगे दिनशॉ मानिक जी पेटिट वर्सेस सीआईटी। सर प्राइवेट कंपनीज के लिए तो इनकम है ना, तो प्राइवेट कंपनीज को टैक्स भरना पड़ेगा ना। दिव्यांश हमने इस तरह से अरेंजमेंट करा था कि किसी को भी टैक्स पे नहीं करना पड़ा। दिव्यांश हमने इस तरह से अरेंजमेंट किया था कि किसी को टैक्स ना पे करना पड़े। मनीष बोल रहा है गजब सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 98 लाइक्स हैं, 99 लाइक्स हैं, ठीक है सर आते ही करा दिया था लाइक। अरे कल्पना थैंक यू सो मच। मोहित राज जुगीलाल छोड़, ये करना है दिनशॉ वाला करना है, ठीक है आगे आगे आगे। इससे अच्छा केस लॉ आप इंस्टाग्राम पे जाते हो ना, इंस्टाग्राम पे बिफोर आफ्टर, वैसे आप मैंने बिफोर आफ्टर में करने का ट्राई करा आपको सिखाने के लिए, कुछ भी कर लूं कि आपको सिखा दूं बस। तो देख मैं यहां पे बिफोर आफ्टर करने का ट्राई करा, पहले क्या था ठीक है बिफोर। सर एक कंपनी है ए, उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है बी के अंदर, ये देख इन्वेस्टमेंट्स बी, तो बी कंपनी जो भी कमाएगी उसका एक हिस्सा ए को मिलेगा। तो यहां भी वही हो रहा था, बी कंपनी से रिटर्न्स मिल रहे थे ए को। तो सर दिक्कत क्या है? यार दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि ए का जो इनकम ज्यादा आ रहा था तो उसको अपने एम्प्लॉयज को बोनस पे करना पड़ रहा था, और ए कंपनी को अच्छा नहीं लग रहा था वो एक्स्ट्रा बोनस पे करना। कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स ये सब सोच रहे थे कि हम खुद पैसा खा लेते हैं, खुद डिविडेंड ले लेते हैं, इनको एक्स्ट्रा पैसा बोनस का क्यों देने का। तो ए कंपनी का इन्वेस्टमेंट था बी के अंदर, तो बी जो भी कमाएगी उसका एक हिस्सा ए को मिलेगा, बिकॉज ए बी के अंदर स्टेक होल्ड कर रहा है, तो बी जो भी कमाएगा उसका हिस्सा ए को देना पड़ेगा। तो ए का इनकम बढ़ गया था और उसकी वजह से ए को बोनस पे करना पड़ा था अपने एम्प्लॉयज को। तो ए ने चालाकी करी। सर ए ने क्या चालाकी करी? आफ्टर, देख आफ्टर इंस्टाग्राम बिफोर आफ्टर आफ्टर। सर जो ए कंपनी है उसने अपना जो इन्वेस्टमेंट था बी के अंदर वो सी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। ए इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर कर दिया सी के नाम पे, तो जो ए होल्ड करा था बी में अब वो सी होल्ड कर रहा है बी में। तो आप मुझे बताओ, मुझे टाइप करके बताओ कि सर अब बी जो भी कमा रहा है, जो पहले ए को मिल रहा था, अब जो बी कमा रहा है वो किसको मिलेगा, ए को या सी को? बताओ मुझे। जो पहले इन्वेस्टमेंट ए बी में होल्ड कर रहा था अब वो ए नहीं सी बी में होल्ड कर रहा है, तो बी जो भी कमाएगा उसे जो रिटर्न्स हैं वो ए को मिलेगा या सी को मिलेगा? कमेंट करके बताओ मेरे को, क्या लगता है आपको? लेट मी नो, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। मैसेज है तनिष का ए, मयूरेश का सी, अभिषेक का सी, समीर का सी, जैनिल का सी, वेरी गुड। पांच आंसर है मेरे पास अब तक। मोहित दास सी, भव्य सी, कल्पना सी, हुसैन सी, वेरी गुड, बिपिन सी, ठीक है सबका आंसर राइट है, सी इज द आंसर, सी ही आंसर था। तो सर अब सारा रिटर्न मिल रहा है सी को। सर इसका मतलब क्या हुआ? ए का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो हल्का हो गया, वो लाइट हो गया। अब जैसे उसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लाइट हो गया, इनकम कम हो गई, तो अब बोनस पे नहीं करना पड़ेगा। तो ए ने भी वैसा ही करा। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट सी के नाम पे ट्रांसफर किया, प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी सी है ना सी, वो सी का कोई धंधा ही नहीं है। वो सी को हमने बनाया सिर्फ और सिर्फ पेन और पेपर पे बना के छोड़ दिया, वो कुछ काम नहीं कर रहा, कोई गुड्स नहीं बेच रहा, कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ लॉस नहीं है, कुछ इनकम, कुछ एक्सपेंस, कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि सर सी एक शेल कंपनी है, वो हमारा दिक्कत है। तो मुझे बताओ, आप आंसर करो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किसका होगा? क्वेश्चन सुनना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किसका होगा? ए का होगा, बी का होगा या सी का होगा? बताइए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किसका पर्दा उठा के हम पीछे देखेंगे कि असलियत क्या है? ए का पर्दा उठाएंगे, बी का उठाएंगे या सी का उठाएंगे? आप मुझे बताओगे, मैं वेट कर रहा हूं। मैसेज है मेरे पास सी 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 करके, डमी कंपनी का, डमी कंपनी का ऐसा मैसेज आ रहा है मेरे पास सी। मोहित का आंसर ए है, बाकी लोग आंसर मुझे सी ही कर रहे हैं। तनिष्क सी, ममता सी, ओके सबका आंसर सी है और सबका आंसर राइट भी है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील सी का ही होगा, हम सी का पर्दा उठा के देखेंगे, ओहो सी तो कोई कंपनी ही नहीं है, सी के पीछे तो ए छुपा हुआ है, तो हम सी का पर्दा उठाया। इजी, एकदम आसान।
सर ए का क्यों नहीं, वो काम वर्कमैन कंपनसेशन दे रहा था। मनीष वापस बोल रहा हूं, सी के पीछे ए छुपा हुआ है ना, तो सी का पर्दा उठाएंगे तो पता पड़ेगा कि ए है। अरे ए का पर्दा उठा के क्या मिलेगा तेरे को पागल, सी नकली है ना, तो सी का पर्दा उठा के देखेंगे कि पीछे ए है। मनीष समझा आपको इंशाल्लाह, मनीष आर वी क्लियर, होपफुली मुझे बता देना एक बार क्लियर है तो। जिसने भी आंसर ए दिया था आई होप अब समझ में आ गया होगा कि इट इज सी। ठीक है मैसेज आ गया उसका यस सर करके, थैंक यू सो मच, इजी पीजी सर। ठीक है नाम याद करते हैं ना, नाम याद करते हैं। अब जब हमने ये सब किया था हमने बोनस पे करना बंद कर दिया था, तो हमें आई थी एक नोटिस, डिपार्टमेंट की नोटिस आई थी कि आप बोनस वोनस क्यों पे नहीं कर रहे हो। तो हमको डर लगा होगा, डर इंग्लिश में डर लगना घबराना को अपन क्या बोलते हैं, वरी, डब्ल्यू ओ आर आर वाई, हम इसको अब वरी नहीं बोलेंगे, वरी बोलेंगे। ठीक है लीगल ऑब्लिगेशन, केसों का नाम क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन आपने फुलफिल नहीं करा तो लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करोगे तो लीगल नोटिस आएगा, लीगल नोटिस आएगा तो हम डर जाएंगे, वरी। पर वरी का मतलब क्या, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस उसी कंपनी का नाम वापस से, एसोसिएटेड इंडस्ट्री लिमिटेड मतलब कंपनी के ही वर्कमैन ने कंपनी के ही खिलाफ केस ठोक दिया। आसान केस लॉ का नाम है, टॉपिक है लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है जो आपने फुलफिल नहीं करी, अब लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया तो आपको लीगल नोटिस आई होगी, लीगल नोटिस आएगी तो आप डर जाओगे घबरा जाओगे, वरी, डब्ल्यू ए आर आई, डब्ल्यू वर्कमैन ए एसोसिएटेड आर रबर आई इंडस्ट्री वर्सेस वापस कंपनी का नाम एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। कितना इजी है, ठीक है बहुत ज्यादा इजी है, वरी ध्यान रखना, वरी लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करा तो लीगल नोटिस आया जिससे आप डर गए, वरी, और वरी से फिर नाम। जैनी बोलता है वरी वर्सेस अरी। नाइस अब आगे नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम पढ़ेंगे फिर भी। ये देख सी का लिफ्टिंग ऑफ कॉपर व्हील हुआ, देख सी का लिफ्टिंग ऑफ कॉपर व्हील हुआ। ठीक है आगे दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हम पढ़ रहे हैं तो सारा ही पढ़ेंगे ना। सर अगर एक होल्डिंग कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई करता और उसको लाइसेंस अगर नहीं मिलता और वो अगर एक सब्सिडरी कंपनी बना के उसके थ्रू लाइसेंस के लिए अप्लाई करे तो हम सब्सिडरी कंपनी को भी लाइसेंस नहीं देंगे। तो अगर होल्डिंग को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो उसकी सब्सिडी को भी नहीं मिलेगा। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट वाला अच्छा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है गिलफोर्ड मोटर्स के अंदर टॉपिक का नाम दिया हुआ है फ्रॉड, तो देख याद करना कितना इजी है, फ्रॉड फ्रॉड फॉल्ट फ्रॉड फॉल्ट फ्रॉड। तो जब फ्रॉड वाला कुछ आएगा तो हमको फॉर्ड याद आना चाहिए, फॉर्ड के आगे गिलफोर्ड मोटर, मोटर में क्या होता है भाई हॉर्न, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न हो गया याद, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न कितना इजी है याद करना अगर आप मेरे तरीके से याद कर रहे हो तो, कि सर फॉल्ट फ्रॉड फॉल्ट फ्रॉड सिमिलर साउंड कर रहा है, फॉल्ट फ्रॉड फॉल्ट फ्रॉड याद आता है, तो गिलफोर्ड मोटर वर्सेस मोटर के अंदर हॉर्न वर्सेस हॉर्न, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। अगेन मैं मानता हूं याद करना बहुत ज्यादा आसान है, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। मैं तो आपको पढ़ा रहा था ना तो मेरे को तो फ्रॉड बोल के पता है क्या याद आया, सेक्शन नंबर 17 याद आ गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, मां कसम पता नहीं दिमाग कहां का घूमता रहता है। ठीक है फॉर्ड फ्रॉड फॉर्ड फ्रॉड फॉर्ड फ्रॉड फॉर्ड फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, ठीक है ट्रंक ट्विस्टर, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, तो फ्रॉड वाला इज फॉर्ड, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। एकदम आसान एकदम आसान एकदम आसान। ए अजय पागल ऐसा सब नहीं लिखते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं लिखते पागल। रिया थैंक यू सो मच, भव्य थैंक यू। सर केस में क्या हुआ था तो ये बताओ, केस में क्या हुआ था तो ये बताओ। देख मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है इसका एग्जांपल समझ में आ जाएगा अगर आप मेरा एग्जांपल सुनते हो तो। प्रॉब्लम बताए क्या आपको, बुक में है ना सर बीसीआर बीसी का पढ़ाओगे, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा बे मैं ही पढ़ाऊंगा, सुनो मेरी बात सुनो, अभी मैं ही पढ़ा रहा हूं। एक पॉइंट बोला था मैं, आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक के अंदर, इस फ्रॉड वाले टॉपिक के अंदर सिर्फ 1.5 लाइन दी हुई है, ठीक है सिर्फ 2 लाइन दी हुई है,
पूरा केस को समझाया ही नहीं है, और प्रॉब्लम बताया क्या होता है, एग्जाम में सीधा बड़ा वाला केस आता है तो आपको पता ही नहीं पड़ता कि टॉपिक कौन सा है, तो आपकी बुक में सिर्फ दो लाइन दी हुई है और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि दो लाइन क्या बोल रही है, क्योंकि डेप्थ में आप देखो आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, मॉड्यूल के अंदर उस केस लॉ को अच्छे से समझाया ही नहीं है। तो मैं आपको केस लॉ समझाने की ट्राई कर रहा हूं, आर वी रेडी? सुना, पूरा केस सुना, मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूं केस में हुआ क्या था। भाई ठीक है, लेट्स से इनोवेट, उसमें आशीष सर एंड यहां पे मैं, विश्वनाथ शर्मा, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जैक्टली पूरा केस बता रहा हूं जो इस केस में हुआ था, बस एग्जांपल में नाम चेंज कर दिया मैंने, ठीक है? सुना क्या हुआ था, विश्वनाथ सर और एडनोट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सर क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कि विश्वनाथ शर्मा एडनोट के अंदर 6 ईयर्स तक पढ़ाएगा, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि विश्वनाथ शर्मा एडनोट के अंदर 6 साल पढ़ाएगा, एंड अगर 6 साल के बीच में, अगर 6 साल के बीच में विश्वनाथ शर्मा छोड़ के चला जाएगा, इफ इन बिटवीन विश्वनाथ लीव्स, ही कैन नॉट सॉलिसिट स्टूडेंट्स ऑफ एडनोवेट, ठीक है? एकदम इजी। सॉलिसिट मतलब क्या हुआ सर, फोन करके बुलाना, अरे मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को कम में पढ़ा दूंगा, अरे ये क्लास नहीं तू ये क्लास ज्वाइन कर ले, मेरे पास आ जा मैं तेरे को जल्दी पढ़ा दूंगा, उसको बोलते हैं सॉलिसिट करना, ठीक है? तो वापस बोलता हूं केस, वापस पूरा केस बोल रहा हूं, सुना ध्यान से। विशाल बोलता है आशीष सर भी लाइक, मैं ही क्यों हमेशा, अरे वो मालिक है ना रे, मालिक के साथ ही तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एडनोवेट आशीष सर है और विश्वनाथ सर है, ठीक है? दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि विश्वनाथ शर्मा एडनोवेट में 6 साल तक पढ़ाएगा, और अगर 6 साल के बीच में छोड़कर गया विश्वनाथ शर्मा एडनोवेट छोड़कर गया 6 साल के बीच में, तो विश्वनाथ सर एडनोवेट के बच्चों को सॉलिसिट नहीं करेगा, कॉल मैसेज करके अपने पास नहीं बुलाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यहां तक ठीक, एकदम आसान सर। फिर क्या हुआ, 2.5 ईयर्स के बाद, 2.5 ईयर्स के बाद विश्वनाथ शर्मा ने एडनोवेट छोड़ दिया, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर 2.5 ईयर्स के बाद, 2.5 साल के बाद, हाँ चल चल मैं कुछ करता हूँ, चल 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 मैं कुछ करता हूँ, 2.5 साल के अंदर ही विश्वनाथ शर्मा ने एडनोवेट छोड़ दिया। सर फिर क्या हुआ, लेट्स से विश्वनाथ शर्मा ने खुद का क्लासेस ओपन किया, ठीक है? लेट्स से द क्लास का नाम इस कुछ भी नाम रख देते हैं, ए के वी जे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। नाउ मैंने, विश्वनाथ शर्मा ने क्लास ओपन करा, ठीक है? एंड बच्चे जितना मैं सोचा था उतने बच्चे आ नहीं रहे, ठीक है? मेरे क्लासेस के अंदर, ए के वीजे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जितना मैंने सोचा था उतने बच्चे आ नहीं रहे। अब मैंने क्या सोचा कि यार मैं तो बच्चों को फोन कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था आई कैन नॉट सॉलिसिट द स्टूडेंट्स ऑफ एडनोवेट क्लासेस। तो मैंने क्या करा, ये जो मैंने कंपनी खोली ना, ए के वीजे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, उससे सॉलिसिट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैसेज क्या भेज रहा हूं मैं, डियर स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन ए के वी जे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। आवाज आई थी, वी विल ऑफर यू 30% डिस्काउंट। तो मैसेज क्या गया, मैसेज क्या गया, ए के वी जे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का मैसेज गया कि ज्वाइन ए के वी जे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड एट 30% ऑफ, कम टू अस 30% ऑफ। मतलब सॉलिसिट हो गया, मैंने उनको बुलाया। नाउ फोन आता है मेरे को, फोन सर किसका फोन आता है, आशीष सर का। मेरे को आशीष सर का फोन आता है और मुझे आशीष से बोलते हैं कि अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तू एडमिट के बच्चों को सॉलिसिट नहीं करेगा, तो तू सॉलिसिट क्यों कर रहा है? मैंने क्या बोला आशीष सर को, बताए सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, मैं सॉलिसिट नहीं करूंगा, मैं कहां कर रहा हूं,
मेरी कंपनी कर रही है और मैं अलग कंपनी अलग, तो मैंने तो कुछ ब्रीच करा ही नहीं। समझा केस? समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? केस समझा? मैं क्या मस्ती कर रहा हूं? मैं आशीष सर कैसा बोल रहा हूं कि सर मैं कहां सॉलिसिट कर रहा हूं, मेरी कंपनी सॉलिसिट कर रही है और मैं अलग हूं, कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। समझा आपको? वेट कर रहा हूं मैं। जैनिल का तो आंसर भी आ गया, जैनिल का तो आंसर भी आ गया। कल्पना हां समझा, सेपरेट लीगल एंटिटी। रिया का थम्स अप आ गया। ओके 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 ओके। तो सर फाइनली होगा क्या? सर आपको मानना पड़ेगा कि मैं इसका लिफ्टिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव करूंगा जो नया क्लास ओपन किया था, बिकॉज उसके पीछे विश्वनाथ शर्मा ही है जो बच्चों को सॉलिसिट कर रहा है। तो ए के वी जे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? पूरा गिलफोर्ड समझा दिया सर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू। तो अगर आपको एग्जांपल में ऐसा दिखे ना ये वाला केस स्टडी इस तरह का कुछ, तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए आपको कि सर ये गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न है, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न है। आर वी क्लियर? लेट मी नो जल्दी से, मैं वो ऊपर आवाज आ रही है, मैं आवाज बंद करके आता हूं। तब तक आप इस केस को पढ़ लो, मैं इसको हटा रहा हूं। इसको रीड करना एक बार, मैं दो मिनट में आ रहा हूं, ठीक है? ब्रेक नहीं है, मैं दो मिनट में आ रहा हूं। वो ऊपर आवाज आ रही है, इसको बंद करके आ रहा हूं, ठीक है? जस्ट सी दिस केस लॉ, तब तक एक बार रीड कर लो। मैं दो मिनट में आया, ऊपर आवाज बंद करके आ रहा हूं। ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, प्लीज स्टे ट्यून्ड। ब्रेक में लोग भाग जाते हैं। टॉपिक पढ़िए, मैं दो मिनट में आया, ऊपर आवाज बंद करके। आ गया मैं वापस, आ गया मैं वापस। आपके चैट बॉक्स पढ़ लूं मैं एक बार? सर स्टूडेंट्स के बदले टीचर और सर को सॉलिसिट कर दो। नहीं, किसी को सॉलिसिट नहीं करना। केटीला गुआ का एमजी, ए मयूरेश क्या लिख रहा है? तंबाकू थूके बात कर। कंफर्म नहीं है तू ले सगुन थेटो भगे। ए क्या कर रहे हो तुम लोग? ए केतन और मयूरेश पागल हो गए। हवा यहां पे ब्लॉक कर दूंगा मैं, मस्ती नहीं। तो मैं आपको पांच केस लॉस और करवा दिए, ठीक है? आपने डिस्कस हुआ था ना केस लॉस करने का, तो हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपनी एक्ट के भी दो पांच केस लॉस और करवा दिए, ठीक है? आगे अभी वो ड्रिलिंग का आवाज आ रहा था यहां पे क्लास के अंदर, ऊपर से आ रहा था आवाज, ठीक है? ओके थैंक यू। पानी पी लो सर। अरे भव्य थैंक यू। पानी नहीं पिया, भूल गया पानी पीना। हाँ सर यहाँ पे आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है? नेक्स्ट केस लॉ, नेक्स्ट केस लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा फोकस करना, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, प्लीज ध्यान से। सर अगर पुला पूरा बाकी है और अगर अब पढ़ना शुरू करें तो हो जाएगा क्या इवन विदाउट रेगुलर कॉलेज? मोहित आराम से हो जाएगा, हमारे सारे लेक्चर्स ध्यान से सुन लेना, बस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। केएस का क्या मैसेज है? सर क्या कैन द अग्रीमेंट बिटवीन गिलफोर्ड मोटर कंपनी एंड हॉर्न कैन बी ट्रीटेड टू बी अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? देख केएस, अगर रीजनेबल है ना, रीजनेबल तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं होता, अगर अनरीजनेबल होता है ना तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होता है। और ये तो कितना ऑब्वियस है कि मैं मेरे पुराने जहाँ पे मैं था वहाँ के कस्टमर को अपने पास नहीं बुलाऊंगा, तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में आ ही नहीं सकता ना, ठीक है। केस आई होप आर बी क्लियर। एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर भी अगर रेस्ट्रिक्शन नॉर्मल है तो इट इज अलाउड, ठीक है, इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल। आई होप इट इज क्लियर केएस, आपका मैसेज था। यहां पे आइए एक एग्जांपल से करते हैं सर, प्लीज ध्यान से सुनना, इतना प्यार पढ़ाऊंगा, इतना प्यार पढ़ाऊंगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस मुझे अगले 20 मिनट दो, 20 मिनट मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस तीनों एक साथ क्लियर कर दूंगा, एकदम मस्त वाला केस लॉ के साथ, ठीक है, फोकस करिएगा, फोकस करिएगा। लेट्स से आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, ठीक है, आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया और आप लोग पास हो गए। सर कौन कोई भी पांच का नाम लेता हूं यहां पे मैं, वी हैव मोहित, और कौन दिख रहा है मुझे यहां पे, समीर, और कौन दिख रहा है मुझे, जैनिल, एक और जन चाहिए मुझे, चंचल, ठीक है। लेट्स से इन चार का रिजल्ट आया, मैंने इन चार से लग बात करी और चारों के चारों माफ कसम पास हो गए, ठीक है, चारों के चारों पास हो गए। इसमें लेट्स से जैनिल के हाईएस्ट मार्क्स थे, ठीक है, 320 आउट ऑफ 400, चंचल के 310 मार्क्स थे, समीर के 300 थे, मोहित के 305 थे, ठीक है, हाईएस्ट जैनिल के थे, 320 आउट ऑफ 400। सर अब क्या, अब मैं और चंचल, समीर और मोहित जैनिल से मांग रहे हैं पार्टी कि भाई तू हमको पार्टी थ्रो करेगा, तेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं सीए फाउंडेशन में, तू पास हो गया इतने अच्छे मार्क्स से, तो तू पार्टी दे। तो हम लोगों ने पार्टी करने का डिसाइड किया एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग जाएंगे ताज, ताज के नीचे तो भाई बात ही नहीं करते, ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग ताज में जाएंगे। ताज के अंदर माय पर्सनल फेवरेट रेस्टोरेंट इज शामियाना, ठीक है, यहाँ पे साउथ बॉम्बे वाले ताज के अंदर है वो रेस्टोरेंट, पर अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ताज ही लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ ताज लिख रहा हूँ, ताज, ताज वेज स्लैश नॉन वेज, ठीक है। अब हमको शाम को ताज जाना था, ठीक है, तो जैनिल ने फोन कर दिया, रिजर्वेशन करवाया ताज के अंदर कि हेलो आई एम वांटिंग टू मेक द रिजर्वेशन फॉर टेबल फॉर 5 ऑफ अस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी कमिंग फॉर द डिनर एट अराउंड 8 PM टुनाइट एंड वी प्रेफर वेजिटेरियन फूड, ठीक है, वी प्रेफर वेजिटेरियन फूड, ऐसा जैनिल ने बोला फोन करके ताज में एंड बुक करवा दिया, ठीक है। तो फाइनली टाइम आया ताज जाने का, यहाँ पे हम अंदर गए यहाँ से, ये हमारा टेबल है सर, टेबल पे चार जन बैठे हुए हैं, टेबल के यहाँ पे चार जन बैठे हुए हैं सर, कौन कौन, मैं बैठा हूँ, विश्वनाथ शर्मा, चंचल बैठा हुआ है, समीर बैठा हुआ है, मोहित बैठा हुआ है। सर जैनिल कहाँ पे है? जैनिल खुद को सर्व कर रहा है, बुफे सिस्टम था, बुफे, तो जैनिल बेसिकली खुद को सर्व कर रहा है, ठीक है, ये टेबल था, जैनिल यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक टेबल प्लेट है, प्लेट, ठीक है, टेबल है सामने और उसके हाथ में प्लेट है एंड वो खुद को सर्व कर रहा है। उसने देखा बुफे के अंदर, उसने देखा कि सर सबसे पहले जो डिश पड़ी ना, डिश सबसे पहले डिश पड़ी थी पनीर टिक्का मसाला, पनीर टिक्का मसाला करके डिश पड़ी थी, उसने खुद को ऐसे सर्व करा, थोड़ा सा आगे गया, उसने देखा हक्का नूडल्स पड़ा हुआ, हक्का नूडल्स, उसने खुद को हक्का नूडल्स भी सर्व किया, थोड़ा सा और आगे गया, उसको दिखा वहां पे दाल मखनी, दाल मखनी दिखा, दाल मखनी, उसने अपने प्लेट में दाल मखनी भी डाल दिया, ठीक है, नूडल्स के ऊपर दाल मखनी डाल दिया, सोच नूडल्स है, नूडल्स पे दाल मखनी डाल दिया, अपना जैनिल कुछ भी कर सकता है, ठीक है सर, दाल मखनी भी प्लेट में डाला। सर फिर क्या करा, फिर थोड़ा सा आगे गए तो सर वहां पे पड़ा हुआ था
नॉनवेज खाना, चिकन टिक्का मसाला, ठीक है, वहां पे एक डिश पड़ी थी चिकन टिक्का मसाला। हमारा जैनिल जैन आदमी है, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाता, उसको बहुत गुस्सा आया। सर जैनिल ने क्या करा, उसके हाथ में थाली पड़ी थी, थाली, ठीक है, ऐसे थाली पड़ी हुई थी, उसने उस थाली को फेंक दिया, ऐसे हवा में फेंक दिया और एक सीन क्रिएट कर दिया उसने पूरे ताज में। उसने एक सीन क्रिएट कर दिया, ऐसे थाली ऐसे हवा में फेंक दी उसने, ठीक है, उसमें हक्का नूडल्स था, उसमें पनीर टिक्का था, उसमें दाल मखनी था, वो पूरा ऐसे हवा में फेंक दिया हमारे जैनिल भैया ने, ठीक है। भागता 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 मैनेजर आया कि सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आपने ऐसा थाली क्यों फेंक दिया। जैनिल एकदम गुस्सा से बोला कि मैंने कहा था मैं वेज फूड खाऊंगा, तो यहाँ पे नॉनवेज कैसे पड़ा हुआ है, यू हाउ कैन यू सर्व नॉनवेज फूड, या नॉनवेज फूड नहीं पड़ा होना चाहिए, हमने आपको क्लियरली फोन पे करा था, बोला था कि हम वेज फूड खाएंगे वेज फूड खाएंगे वेज फूड खाएंगे, हाउ कम यहाँ पे नॉनवेज फूड पड़ा हुआ है। एकदम जैनिल एकदम गुस्सा हो गया। मैनेजर बोलता है, मैनेजर इधर आ, इधर इधर आ, बात करते हैं, इधर आ। मैनेजर जैनिल को बोलता है तू इस गेट से अंदर घुसा था। जैनिल बोलता है हाँ यार मैं घुसा तो इस गेट से ही था। मैनेजर बोलता है देख ऊपर लिखा हुआ है ताज वेज / नॉन वेज, बोल लिखा हुआ है। जैनिल बोलता है हाँ लिखा हुआ है। तो मैनेजर बोलता है, आज का मैनेजर बोलता है तो सर ठीक है ना, आप पढ़ के अंदर घुसे थे ना वेज नॉन वेज। जैनिल बोलता है नहीं नहीं मैंने तो बोर्ड पढ़ा ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही घुस गया था। आप मुझे बताओ एक वर्ड में आंसर करके, जैनिल सही है या मैनेजर सही है, कौन सही है जल्दी बताओ मुझे, जैनिल सही है या मैनेजर सही है, कौन करेक्ट है, प्लीज आंसर मी, जैनिल या मैनेजर। तनिषा का आंसर है मैनेजर। देविका कोई बात नहीं, गुड नाइट, थैंक यू, चलेगा चलेगा, बाद में ऑफलाइन देख लेना। जैनिल मैनेजर, खुशी मैनेजर, आदित्य मैनेजर, जाकिर ओके, कल्पना, भव्य, मयूरेश, हुसैन, समीर, आर्ट ओशन, रिया, विशाल, अजय, माधवी, सबका आंसर मैनेजर आ रहा है मुझे फिलहाल। चंचल मैनेजर ओके, वैशाली मैनेजर, के एस, हिनिका, टीसा, सलोनी, ममता, मोहित, सबका आंसर मैनेजर है। सर सर आपने हमको ये क्या पढ़ाया वो तो बताओ, बता दो ना आपने हमको क्या पढ़ाया। जो ताज था ना, ताज मैं लिख के बताता हूँ एक बार, देख यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के अंदर, हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये जो था ना यहाँ पे, ये ताज वेज नॉन वेज, और यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे, ठीक है, हमने आपको बताया क्या पढ़ाया। सर ताज का मतलब कंपनी, वेज का मतलब MOA, नॉन वेज का मतलब AOA, और हम लोग आउटसाइडर। तो सर कंक्लूजन क्या हुआ, आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज बाउंड टू रीड MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट जस्ट बाउंड टू रीड और ही हैज डीम्ड टू रीड MOA AOA, ही इज ऑल्सो डीम्ड टू हैव अंडरस्टूड MOA एंड AOA। If outsider does not read or does not understand MOA AOA of the company, it is his problem. Doctrine of constructive notice. Doctrine of constructive notice आपको पढ़ा दिया मैंने ताज के example के साथ, कि बाहर वाला जब ताज में घुसा था तो उसको पढ़ना था वेज और नॉन वेज। वैसे ही as an outsider जब मैं कंपनी के अंदर घुसूंगा, कंपनी से डील करूंगा, तो मेरा आउटसाइडर का ड्यूटी है कंपनी का MOA और AOA पढ़ना, पढ़ना नहीं समझ भी लेना। हमेशा मान लेंगे आपने पढ़ भी लिया समझ भी लिया, आपने नहीं पढ़ा आपने नहीं समझा आपका प्रॉब्लम। और आप लोगों ने मुझे आंसर दिया था मैनेजर राइट है, आपने मुझे बोला था मैनेजर राइट है, मतलब हमारे एग्जांपल के अंदर आउटसाइडर हारा था, यहां भी वही हो रहा है सर आउटसाइडर हार रहा है। मजा आया, मजा आया। कंपनी ताज वेज MOA नॉन वेज AOA और हम लोग आउटसाइडर, मजा आया। आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी मस्ट बी अवेयर ऑफ MOA एंड AOA, ही मस्ट हैव ऑल्सो अंडरस्टूड MOA एंड AOA, अगर उसे नहीं पढ़ा नहीं समझा उसका प्रॉब्लम। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ओहो सर आप यहां पहले मिठीबाई में फिर ICA BKC में ना बेंडोवेट में वो भी लॉ पढ़ा रहे हो, मुझे लॉ ही आता है भाई। तनिषा अमेजिंग, वाह सर जी क्या आइडिया लगाया, थैंक यू। जाकिर गजब सर,
एमओए सर बड़ी बुक होती है ना और एओए छोटी बुक. मैं दिखाता हूँ ना चंचल, मैं तेरे को दिखाता हूँ ना एमओए एओए, मैं रियल एग्जांपल दिखाऊंगा तेरे को, तू खाली बैठ इधर. लेट द बायर बी अवेयर. यस सर समझ गया सर. इसी एग्जांपल में डॉक्टर ऑफ इंडो मैनेजमेंट को कनेक्ट करो. अरे करूंगा ना बाबा, इसी एग्जांपल में इंडो मैनेजमेंट भी कनेक्ट करूंगा, तू खाली बैठ मेरे लेक्चर में, तेरे को सब कुछ समझ में आएगा. जबरदस्त सर के एग्जाम्पल और सर दोनों ग्रेट है, थैंक यू. जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त, वाह नाइस एग्जाम्पल, थैंक यू. सही है एग्जाम्पल और सर दोनों ग्रेट हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. माशाल्लाह सर लाइव क्लास की बात अलग है, थैंक यू. आवा आवा आवा, इसी के अंदर अपन घुसाते हैं दूसरा टॉपिक, इंट्रो मैनेजमेंट, ठीक है. इसी के अंदर आवा, सेम एग्जाम्पल. अब हमारे जो दोस्त थे, ठीक है, अब वो आ गए थे सीए इंटर में. फाउंडेशन में तो क्या हुआ सर, फिर हमारे जैनिल भैया को डिश धोनी पड़ी, डिश साफ करनी पड़ी, 5 दिन तक वहां पे बर्तन धोने पड़े, तब जाके रिकवरी हुई पैसों की. और फिर हमारे जैनिल भैया 5 दिन बाद घर पर आए बर्तन बर्तन धोके. देख मैं, हम सब तो भाग गए थे, हम सब तो भाग गए थे. जैनिल भैया अच्छा खासा बिल पेमेंट कर आए और बर्तन साफ कर आए बिल पेमेंट करने के लिए, ठीक है. अब अपन आगे बढ़ते हैं. तो हमारे लोग दिस समीर, मैं, जैनिल और हमारा राम, ठीक है, चार जन का एग्जाम्पल लेते, छोटा सा एग्जाम्पल. अब हमारे जैनिल भैया सीए इंटर में आ गए थे, ठीक है, अच्छा मार्क्स, 320 मार्क्स अच्छा मार्क्स लेकर आए. अब सर ने क्लास में भौकाल मचा दिया, अरे थैंक यू. अब हम इंटर में आ गए. अब माँ कसम इंटर भी पास कर लिया, समीर ने, जैनिल ने, राम ने, सबने इंटर भी पास कर लिया. वापस जैनिल के सबसे ज्यादा मार्क्स है, वापस जैनिल के सबसे ज्यादा मार्क्स है. तो हमने वापस पार्टी करने का सोचा. और इस बार कहाँ पार्टी करेंगे सर, ताज में ही करेंगे सर. तो हम लोग वापस ताज गए. इस बार हमको पहले से बताया कि ताज में वेज नॉन वेज दोनों मिलता है. अरे लास्ट टाइम बर्तन धोए थे ना, लास्ट टाइम बर्तन धोए थे, तो इस बार हमको पता था पहले से कि ताज में वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, ठीक है. ताज, ये हमारा गेट, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ विश्वनाथ, यहाँ पे राम बैठा हुआ है, यहाँ पे समीर बैठा हुआ है. सर हमारा जैनिल कहाँ है, जैनिल ने खाना खा लिया, इस बार जैनिल ने जल्दी खाना खा लिया. और जैनिल जी हाथ साफ करने उठे हैं किचन की तरफ, क्योंकि किचन और वॉश बेसिन बाजू बाजू में ही है, ठीक है. तो यहाँ पे किचन है और यहाँ पे वॉश बेसिन है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे जैनिल भैया खड़े हुए हैं और यहाँ पे वॉश बेसिन है, अपने हाथ धो रहे हैं. एंड बाजू में किचन है, किचन के अंदर विंडो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, मतलब ऐसे दिख रहा है किचन के अंदर क्या हो रहा है, यू कैन सी इट. नाउ जैनिल भैया की नजर जाती है कि यार वहाँ पे एक शेफ है, एक शेफ है, शेफ के हाथ में एक स्पून है, स्पून, ठीक है, जिससे अपन स्टर करते हैं सब्जी को, स्टर करते हैं, वैसे एक स्पून है हाथ में. सर उसके राइट हैंड साइड पे एक सब्जी बन रही है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक और एक सब्जी बन रही है. राइट हैंड साइड पे मैंने ग्रीन बनाया बिकॉज इट इज पनीर टिक्का, एंड बाजू वाला रेड बनाया बिकॉज इट इज नॉन वेज चिकन टिक्का. अब हाथ धोते धोते जैनिल ने देखा कि हमारा जो वो अंदर शेफ है किचन के अंदर, वो उस चम्मच से चिकन टिक्का को ऐसे स्टर कर रहा है, फिर उसी चम्मच को बाहर निकाला और उस चम्मच को डाल दिया पनीर टिक्का के अंदर और उसको घुमा रहा है, घुमा रहा है. मतलब वो चम्मच के अंदर साथ में चिकन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी मिक्स हो गए हमारी पनीर टिक्का के अंदर, उसी चम्मच को घुमा रहा है. वापस निकाला, चिकन टिक्का में डाला, घुमाया, वापस बाहर निकाला, पनीर टिक्का, उसी चम्मच को पनीर टिक्का में डाला और मां कसम घुमाया. हमारे जैनिल भैया वापस गुस्सा हो गए, हमारे जैनिल भैया वापस गुस्सा हो गए. इस बार तो हाथ में थाली नहीं थी, इस बार हाथ में थाली नहीं थी, इस बार था सामने वॉश बेसिन. उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया और पूरा ऐसा हवा में फेंक दिया, ठीक है, पूरा ऐसा हवा में फेंक दिया. भागते भागते मैनेजर आया कि ब्रो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इस बार क्या हुआ. तो जैनिल ने पूरी कहानी बताई कि ब्रो मैं हाथ धोते तो तेरे वहां पे देखा, किचन में देखा, ठीक है, वॉश बेसिन में हाथ धोते थे, किचन में देखा कि तेरा जो शेफ है
वो एक ही चम्मच से नॉन वेज वेज दोनों बना रहा है, और वेज की थाली के अंदर नॉन वेज के भी एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं, तो ये तो गलत है। अब मैनेजर क्या बोलता है कि भाई देख ऐसा है, तू एक ऐसे रेस्टोरेंट में आया है जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। तो यार ये तो कितना सिंपल है ना, वेज में नॉन वेज मिक्स होगा, नॉन वेज में वेज मिक्स होगा, दोनों में दोनों मिक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों मिलता है। जेनरली बोलता है नहीं ऐसा थोड़ी होता है, अगर मिक्स रेस्टोरेंट है तो वेज का खाना अलग बनना चाहिए, नॉन वेज का अलग बनना चाहिए, दोनों साथ में थोड़ी बनता है। और झगड़ा हो गया। आप मुझे बताओ कौन सही है, जैनिल या मैनेजर? बताओ मुझे, जैनिल या मैनेजर कौन सही है? जैनिल या मैनेजर कौन सही है? दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। खुशी का मैसेज है जैनिल, जैनिल का मैसेज है जैनिल जैन, ही इज वेरी स्पेसिफिक। राहुल का मैसेज जैनिल, रितिका जैनिल, अभिषेक जैनिल, मयूरेश जैनिल, तनिषा जैनिल, रिया जैनिल, वैशाली, हुसैन, राशि, आर्ट ओशन, सलोनी, अजय, समीर, कल्पना, शेष्टा, सुमन, विशाल, सानिया, तीसा, अर्पिता, सूफी, सबका आंसर राइट है जैनिल। सर आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने आपको पढ़ा दिया मस्ती मस्ती में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर कैसे? एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी कैन अज्यूम दैट एवरीथिंग हैपनिंग विद इन द फोर यू नो फोर डोर्स या चार दीवारी फोर वॉल्स ऑफ द कंपनी इज एज पर MOA एंड AOA। बाहर वाला आउटसाइडर ऐसा अज्यूम कर सकता है कि कंपनी में जो भी हो रहा है वो एज पर MOA एंड AOA हो रहा है। देख एज एन आउटसाइडर मेरी ड्यूटी क्या थी? MOA AOA पढ़ने की, मैंने पढ़ लिया। अब अगर तुम कंपनी के अंदर रह के कुछ गड़बड़ी करोगे यार, ये तो बाहर वाले को कैसे पता हो सकता है? बाहर वाला तो ऐसा मान के चलेगा कि सब कुछ बराबर ही हो रहा होगा, और अगर बराबर नहीं हो रहा तो कंपनी का प्रॉब्लम, आउटसाइडर का प्रॉब्लम नहीं। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अपोजिट, ठीक है, एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हो गया। समझा? आउटसाइडर कैन अज्यूम कि कंपनी के अंदर सब कुछ बराबर ही हो रहा होगा, और अगर बराबर नहीं हो रहा तो वो कंपनी का प्रॉब्लम है, आउटसाइडर का प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आर वी क्लियर? थम्स अप आ रहे मेरे पास, स्टार्ट हो गए। अभिषेक, शेष्टा, जाकिर, हुसैन, समीर, रिया, रितिका, भव्य, मैं उनका कंक्लूजन लिख रहा हूँ। कंक्लूजन लिख रहा हूँ मैं कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर कंपनी का अपर हैंड होता है, कंपनी केस जीत जाएगा, आउटसाइडर हार जाएगा, ये इसका एक्सेप्शन है। सर मतलब कंपनी हार जाएगा, आउटसाइडर जीत जाएगा। मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया, फाइनल कंक्लूजन जो आपको याद रह जाएगा और आपको रट्टा नहीं माना पड़ेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर वी हैव अ केस लॉ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोंड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोंड। अरे मोहित मैं आ रहा हूं बाबा एक्सेप्शन पे, तो ये तो बोल, ये समझा कि नहीं समझा पागल? तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर। हाँ चंचल राम है, निशानी तो है, आउटसाइडर्स को इनसाइडर से बचाना। हाँ अभिषेक यू कैन से सो, आई होप द टॉपिक इज वेरी मच क्लियर। मैंने बहुत आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाने की ट्राई करी। जैन बोले सर अगली बार वेज रेस्टोरेंट में ही जाऊंगा। ठीक है। अब इसके भी एक्सेप्शन है। सर मतलब कैन आई से एक्सेप्शन का एक्सेप्शन का मतलब वापस से यही हो जाएगा, कंपनी जीतेगा, आउटसाइडर हारेगा। ठीक है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, तो ये तो सेम ही हो जाएगा ना, ये और ये।
डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अब हमें टॉपिक पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, तो इसके जैसा ही हो जाएगा ना, तो ये दोनों सेम होते हैं। बहुत डीप बोला मैंने, बहुत डीप बोला, बेशर्मों को समझ में आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, 113 लाइक है खाली, कमेंट तो वैसे भी नहीं आते, कल की वीडियो में एक भी कमेंट नहीं था और आज के वीडियो में भी आई डोंट नो कमेंट है कि नहीं है, कल की वीडियो में तो एक भी कमेंट नहीं था, ठीक है, जो कल लेक्चर हुआ था। तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मतलब दोनों के अंदर अल्टीमेट रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। अब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, तीन ही एक्सेप्शन है रे, उसमें भी एक एक्सेप्शन बहुत ईजी है, फॉर्जरी वाला, ठीक है, एक है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला, और एक है सस्पिशन वाला, ठीक है, बहुत आसान है, फटाक से पढ़ लेते हैं, चल। ये रहा एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ, उसमें इसमें केस लॉ इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे केस लॉ पढ़ाना था आपको, इसमें केस लॉ है इसलिए पढ़ा रहा हूं, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नहीं अजय, मुझे कोई कमेंट नहीं दिखा कल के लेक्चर में, मैं देखूं एक बार, मोबाइल ये रहा मेरे पास, उसके पहले वाले परसों वाले लेक्चर में था, कल मुझे तो नहीं दिखा, मतलब आई डोंट नो, मैंने बहुत पहले देखा था, एक बार देखा था खाली, कल के लेक्चर में आई कुड नॉट सी एनी कमेंट, पता नहीं। आज वाले में भी दिखाए तो नहीं मुझे अब तक, कल कल वाले में एक भी कमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं एक भी नहीं है, 1006 व्यूज हैं, 154 लाइक्स हैं, पता नहीं होगा, मैंने देखा नहीं। यहां पे समझने की ट्राई करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से, उसके अंदर मैं आपको उसमें एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ताज वाले एग्जांपल में एग्जांपल देता हूं। देख, हम लोग जब ताज जाने वाले थे तो ताज जाने से पहले जैनिल को है ना, जैनिल के मम्मी पापा ने बताया था कि शायद है ना वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मिक्स होता है, ऐसा जैनिल के पेरेंट्स ने जैनिल को ऑलरेडी बताया था, वो सुनने के बाद भी जैनिल ताज में गया। सर तो जैनिल की गलती है कि नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते हो? सर बोलने के बाद भी आपको इसने हिंट दिया कि वहां पे वेज नॉन वेज मिक्स होता है, और फिर भी अगर आप जा रहे हो तो वो तो आपकी गलती है ना, ठीक है, तो वो दैट इज दिस फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, आपको भनक थी, आपको पता था, फिर भी आपने वो काम किया तो आपकी गलती, तो आपकी गलती, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। दूसरा सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, इसमें अपने पास केस लॉ है आनंद बिहारी लाल वर्सेज डिंशोइन कंपनी का, आनंद बिहारी लाल वर्सेज डिंशोइन कंपनी का। सर क्या केस क्या है, एक बात समझ समझ ले, तू हमारे पास आया, एडवोकेट के पास आया, और संडे का दिन था, ठीक है, पूरा ऑफिस ऑफिस सब बंद था, कोई था नहीं, अब तुझे नेक्स्ट डे पे वापस जाना है आउट ऑफ स्टेशन, और आज मतलब समझ ले लास्ट डे ऑफ फीस पे करने का कल ही है, तो तूने क्या किया, संडे को आ गया फीस लेकर, जैसे इंटर की फीस थी कुछ भी रैंडम फिगर लेते हैं 60,000, ठीक है, 60,000 फीस थी, 60,000 रुपये, तो कैश लेकर आया, एंड तूने देखा कि पूरा एडनोवेट बंद है और कल तुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ फीस भी चला जाएगा, तो तूने यहाँ पे एडनोवेट में वॉचमैन से पूछा कि भैया ऑफिस वाले आए हैं कि नहीं आए, तो वॉचमैन ने बोला आपको कि नहीं ऑफिस वाले तो आज नहीं आए, संडे का दिन है, सब छुट्टी पर है, तो आपने वॉचमैन को बताया कि मैं तो फीस लेकर आया था सीए इंटर की, 60,000 रुपीज मुझे पे करना था, तो फिर मैं ये कैसे पे करूंगा, कल तो मैं बाहर जा रहा हूं, तो वॉचमैन आपको बोलता है कि एक काम करो, ये फीस मुझे दे दो 60,000 रुपए, मैं ऑफिस में दे दूंगा, बाद में आप ऑफिस से रिसीट ले लेना, तो वॉचमैन ने आपको बोला कि 60,000 रुपए मुझे दे दो, 60,000 गिव इट टू मी, एंड बाद में कल परसों जब भी आप वापस आओगे तो ऑफिस से रिसीट ले लेना। अब आपने क्या करा, कैश 60,000 रुपये वॉचमैन को दे दिया और वहां से आप निकल के चले गए, जैसे आप गए वॉचमैन भी चला गया और वॉचमैन परमानेंटली चला गया, 60,000 रुपये खा के भाग गया, मां कसम। और आप दो तीन दिन बाद वापस क्लासेस में आए और आपने ये सब बताया, सीसीटीवी कैमरा भी है ये शो करने के लिए कि आपने पैसा दिया था, पर फिर भी मुझे बताओ कि ये आपकी गलती है कि एडनोट की गलती है, आपकी गलती है ना,
यार आप किसी वॉचमैन को इतना बड़ा फिगर कैसे दे सकते हो? या तो आपको कॉल करना चाहिए था, किसी से पूछना चाहिए था हेल्पलाइन नंबर पे, या आपको बाद में आना चाहिए था, या वॉचमैन से किसी को फोन लगवाना चाहिए था। हाउ कैन यू बी सो नेग्लिजेंट कि आप वॉचमैन को 60,000 रुपये पकड़ा के चले जाओ? तो आपको मानना पड़ेगा कि सर कंपनी की गलती नहीं है, आपकी ही गलती है, मतलब एडवोकेट की गलती नहीं है, आउटसाइडर की ही गलती है कि ही वॉज नेग्लिजेंट। उसको सस्पिशन होना चाहिए था कि कुछ गलत हो रहा है, और फिर भी उसने वो काम कर दिया बिना क्लैरिटी लिए। तो आउटसाइडर की गलती हुई कि नहीं हुई, मानते हो कि नहीं मानते हो? एडवोकेट की गलती नहीं है, आपकी गलती है, डू यू अग्री? यहां पे इट वॉज सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, सेम हुआ था इस केस लॉ के अंदर। आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंशो एंड कंपनी के अंदर भी सेम चीज हुआ था कि सर एक कंपनी का अकाउंटेंट, कंपनी का अकाउंट मतलब कंपनी का एक बीकॉम पास आदमी कंपनी की प्रॉपर्टी बेच रहा है। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी के अंदर एक बीकॉम जो डेटा एंट्री करता है, वो कंपनी की पूरी एक प्रॉपर्टी बेच देता है उसको, ठीक है? तो यार सामने वाला पागल थोड़ी है, उसको दिमाग में नहीं आना चाहिए कि यार कंपनी का एक अकाउंटेंट बीकॉम जो प्यून है, ठीक है, वैसा उस लेवल का काम है उसका, वो कंपनी की प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता है? तो अगर आप नेग्लिजेंट हो तो वो आपकी गलती है, ठीक है? दैट इज माई केस लॉ, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉप। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की ट्राई करी, इजी लगना चाहिए। लास्ट वाले पॉइंट पर आ गए सर फॉर्जरी, लास्ट वाला पॉइंट पर आ गए सर फॉर्जरी। फॉर्जरी के अगेन मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे केस लॉ दिखेगा आपको, रूबेन वर्सेज ग्रेट फिंगल कहाँ है मैं ढूंढ रहा हूँ, एक सेकेंड, ये रहा, ये रहा, मिला, रूबेन वर्सेज ग्रेट फिंगल। इसके अंदर भी यही हुआ था सर, कंपनी सेक्रेटरी ने दो डायरेक्टर्स का साइन नकली कर दिया था एंड शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया था। अब बाद में जब पता पड़ा तो आउटसाइडर क्या बोल रहा है कि कंपनी की गलती, कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट है, तो जो भी ये फ्रॉड वर्ड हुआ है कंपनी का प्रॉब्लम। कोर्ट ने क्या बोला कि भाई आउटसाइडर अगर तेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो कंपनी के साथ भी तो फ्रॉड हुआ है, देखो अगर केस ठोकना है तो कंपनी में मत ठोक, कंपनी सेक्रेटरी पे केस ठोक एंड उसकी बचा, कंपनी की गलती नहीं इसमें। तो आउटसाइडर बेसिकली कंपनी पे केस नहीं ठोक सकता, ठीक है, आउटसाइडर केस ठोकेगा कंपनी सेक्रेटरी पे। तो जब फॉर्जरी, फॉर्जरी मतलब जाली, फ्रॉड, जब फॉर्जरी का केस होता है तो द होल ऑफ इट इज नल एंड वॉइड। देख बुक में लैंग्वेज यूज करी होगी, नल एंड वॉइड, ढूंढू मैं कहां पे है, नल एंड वॉइड, ठीक है, फॉर्जरी के केस मेरा, नलिटी मतलब जीरो, नलिटी मतलब जीरो, इजी। एक्सपेक्टिंग आपको एक और केस लॉ समझा दिया मैंने, ठीक है, मैंने कहा था मैं आपको सारे केस लॉस करूंगा, आपको मैंने सारे केस लॉस करवा दिए, कंपनीज एक्ट वाले भी करवा दिए, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए एंड आपको समझ में आ जाए। यहां पे आना, आई कवर द होल ऑफ दिस, ठीक है, 5 मिनट और टॉपिक खत्म कर दूंगा, ठीक है, 5 मिनट और एंड मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा। यहां पे देख, लेट्स से मेरे घर पे हाउस पार्टी है, ठीक है, मेरे घर पे हाउस पार्टी है, मतलब पिज्जा पार्टी है, ठीक है, तुम सबको बुलाया मैंने, तो ये मेरा घर है, लेट्स से मेरे घर पे अपन सब बैठे हुए हैं और अपन पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, पिज्जा विज्जा खा रहे हैं, अपन पार्टी कर रहे हैं। अब जितने लोग बैठे थे और भूख लगी, ठीक है, और खाना खाना था, थोड़ा पिज्जा कम पड़ गया, तो हमने मोहित को बोला जो रास्ते में था, मतलब पहुंचा ही था, मेरे घर पे आ रहा था, रास्ते में था वो, तो मैंने मोहित को बोला कि मोहित या तो कुछ खाने का लेकर आ जाएगा क्या? मोहित तो कुछ सर एक इस टॉपिक के बाद 5 मिनट का ब्रेक। अरे यार कहाँ से ब्रेक करना है, अबे 10:30 तो मैं छोड़ दूंगा पागल, 10:30 तो मैं छोड़ दूंगा, और ब्रेक के बाद वैसे ही लोग भाग जाते हैं। जाकिर खान, जाकिर, अगर जाकिर तो लगता है तो ये खुद कर सकता है, तो यू कैन लीव द लेक्चर, कितना सिंपल है जाकिर भाई, ठीक है, अब नहीं तो कब, जाकिर भाई अब नहीं तो कब। यहाँ पे तो मोहित रास्ते में ही था, तो मैंने मोहित को फोन करके बोला कि मोहित यार एक काम कर, तू ही थोड़ा और खाना ले आ साथ में, हाँ मैं ब्रेक दे दूंगा 5 मिनट का, आई विल गिव ब्रेक, 5 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगा, चल,
पहले ये तो पढ़ लें, जो पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ लो भाई। तो मोहित ने बोला कि सर क्या लेकर आना है। मैंने मोहित को बोला कि यार मोहित तो एक काम कर, पिज्जा खा रहे हैं तो पिज्जा का ही मूड है, तो एक काम कर तू पिज्जा ले आ, तू गार्लिक ब्रेड ले आ एक्सेट्रा, ठीक है, पिज्जा गार्लिक ब्रेड एक्सेट्रा तू लेकर आ जा। मोहित ने कहा ठीक है। अब मोहित फाइनली घर पे पहुंचा, ठीक है, मेरे घर पहुंचा मोहित, एंड उसके हाथ में थैला था खाने का, खाने का थैला था हाथ में। तो मैंने वो थैला लिया उससे और देखा उसमें क्या क्या है। तो मैंने देखा कि सर उसके अंदर पिज्ज़ा है, सर उस थैले के अंदर गार्लिक ब्रेड भी है, एंड जो तीसरा आइटम था उसके अंदर दैट वॉज दाल चावल। मैंने कहा माँ कसम, पार्टी के अंदर दाल चावल कौन लेकर आता है। तो मोहित बोलता है कि सर आपने तो कहा था पिज्जा गार्लिक ब्रेड एक्सेट्रा, पिज्जा गार्लिक ब्रेड एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा मतलब तो कुछ भी होता है, तो मैं दाल चावल लेकर आ गया। आप मुझे बताओ मोहित ने सही किया या गलत किया, आप मुझे बताओ मोहित ने दाल चावल जो लाया दैट इज राइट और रॉन्ग, टेल मी आपको क्या लगता है राइट और रॉन्ग, दाल चावल इज लेकर आना इज राइट और रॉन्ग। हाँ शीतल देख मैं दाल चावल लेकर आ गया, बोल पागल, राइट और रॉन्ग क्या लगता है। हुसैन बोलता है मेरे को लगा खंबा लाया, ए पागल बेशरम चुप। रितिका बोलती है राइट, जैनी बोलता है गलत, राहुल गलत, बिपिन दाल चावल, इनोसेंट मोहित तनिष्क बोल रहा है गलत 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 गलत, एक दो मैसेज सही भी है, गलत किया सर कुरकुरे मोमोज लेके आता, हाँ ऐसा ही कुछ लेकर आता यार, गलत गलत गलत, ठीक है ऑलमोस्ट सबके मैसेज गलत हैं, कुछ लोग राइट भी बोल रहे हैं। मैं तुमको बताता हूँ दिस इज गलत यार, मैंने बोला पिज्जा गार्लिक ब्रेड एट्सेट्रा, तो एट्सेट्रा का मतलब पता है क्या होता है सर, इट कैन बी समथिंग इटालियन, ठीक है, कैन बी समथिंग इटालियन, समथिंग फास्ट फूड, इसमें चल मैं बोल देता बर्गर आ सकता है, इसमें बोल देता मैं हॉट डॉग आ सकता है, इसमें मैं बोल देता फ्रेंच फ्राइज आ सकता है, अरे कोल्ड ड्रिंक भी आ सकता है, पर दाल चावल तो नहीं आ सकता ना, समझता है इतना आपको, इतना समझता है कि सर एटसेट्रा का मतलब होता है पिज्जा गार्लिक ब्रेड के साथ कुछ रिलेटेड। सर हमने अभी क्या पढ़ा, हमने आपको बेस बना के दिया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का, आपको मैंने बेस बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का आपके लिए मैंने बेस रेडी करा, ये तो एग्जाम्पल से आई एम 50% मैंने कवर कर लिया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। सर क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, देख यहां पे केस में क्या था, एशबरी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एशबरी कंपनी को, एशबरी की कंपनी है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, उसकी एक कंपनी है, उसको एक गवर्नमेंट से पटरी बिछाने का, बेल्जियम में पटरी बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पर बाद में रियलाइज होता है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो वो ये काम को डेडलाइन पे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग अप्रोच करते हैं रिची को और रिची को बोलते हैं कि भाई तू हमारा ये काम कर देगा क्या, ये लोग आउटसोर्स कर रहे हैं उसको कि तू हमको ये काम करके दे देगा क्या। रिची बोलता है मैं करके तो दे दूंगा, बस एक प्रॉब्लम है। एशबरी कंपनी ने बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो रिची बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, पैसा पैसा नको, पैसा नहीं मेरे पास। तो एशबरी कंपनी बोलते हैं चिल भाई तू पैसे का टेंशन मत ले, हम तेरे को फाइनेंस करेंगे, फाइनेंस हम तेरे को पैसा देंगे, तू खाली ये रेलवे पटरी बिछा के रेडी कर दे। ऋषि ने कहा ठीक है पैसा मिल रहा है तो क्या जा रहा है। अब ऋषि ने पटरी बिछाना स्टार्ट किया, इतने में एशबरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को पता पड़ता है कि हमारी एशबरी कंपनी किसी को फाइनेंस कर रही है। अब प्रॉब्लम क्या था पता है, एशबरी कंपनी के एमओए में लिखा हुआ ही नहीं था कि वो लोग फाइनेंस का काम कर सकते हैं, हमने भी पढ़ा था ना एमओए एओए, एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। सर एशबरी कंपनी के एमओए में लिखा हुआ नहीं था कि वो फाइनेंस का काम कर सकता है, और एमओए से बाहर आप कुछ भी काम करते हो इट इज वॉइड, हमको पता है ये बात। तो एशबरी कंपनी के मेंबर्स ने एशबरी कंपनी को बोला कि तुम सारा पैसा जो भी रिची को दिया था वो वापस लेकर आ जाओ। तो एशबरी कंपनी रिची के पास जाती है कि भाई अत्ते को जो भी हमने फाइनेंस करके पैसा दिया था वो सारा पैसा वापस दे दे। रिची बोलते अबे छपरी
मेरे पास पैसा होता तो मैं तुझसे मांगता ही नहीं, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैटर कोर्ट में गया एंड कोर्ट में रिची हार गया। कोर्ट ने बोला कि रिची का प्रॉब्लम है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि रिची को कंपनी का एमओए और एओए पढ़ना चाहिए था, उसके बाद उसको डील करना चाहिए था एशबरी कंपनी के साथ। तो अगर उसने एमओए एओए नहीं पढ़ा तो रिची की गलती है। तो रिची पता है क्या बोलता है, अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमारे एशबरी कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि वो डील कर सकता है फाइनेंस के अंदर। हमने बोला कहाँ लिखा हुआ है बता, ढूंढते अपन एक सेकेंड, पेज नंबर मुझे याद नहीं, ये 5.27 देख। रिची ने बताया क्या बोला कि सर देखो यहां पे लिखा हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, उसमें सब कुछ आ सकता है। कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ऐसा नहीं है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा तेरे को मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ। याद है मेरा वाला एग्जांपल पिज्जा पास्ता एटसेट्रा, तो पिज्जा पास्ता एटसेट्रा में जो एटसेट्रा है ना वो पिज्जा पास्ता से लिंक होना चाहिए। तो यहां भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स मैकेनिकल इंजीनियर से लिंक होना चाहिए और इसलिए जनरल के अंदर फाइनेंस नहीं आ सकता, क्योंकि मैकेनिकल क्या कहीं मतलब निकल के नहीं आता फाइनेंस वाला पार्ट। अल्टीमेटली हुआ ये, रिची केस हार गया एंड एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी को उसको सारा पैसा देना पड़ा। आर वी क्लियर? मैंने बहुत डीप पढ़ाया भाई आपको ये केस लॉ रिविजन लेक्चर के अंदर, मैंने सारे केस लॉ कवर कर दिए 25 के 25। आर वी क्लियर? प्लीज लेट मी नो समझ में आया या नहीं आया, पूरा केस लॉ समझ में आया या नहीं आया। एशबरी रेलवे कैरेज एंड कंपनी वर्सेस रिची, एकदम शॉर्ट में प्लेन भाषा में समझाने की ट्राई करी मैंने। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। रितिका का मैसेज है यस करके, समीर का मैसेज है यस करके, ओके okay. कल्पना, जैनिल, मोहित, जाकिर, सानिया, राहुल, मोहित, ओके लॉट्स ऑफ देम। एशबरी रेलवे कैरेज एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, बहुत आसान है आदित्य, दोनों हुआ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी हुआ एंड अल्ट्रावाइस भी हुआ ना, बिकॉज अल्टीमेटली आपने एमओए से बाहर काम किया ना, तो आदित्य दोनों हुआ ना, अल्ट्रावाइस भी हुआ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी तो हुआ। मोहित का मैसेज है सर नाम याद करा दो, अरे मेरे सबसे इजी नाम है यार एशबरी, तो पूरी देता पोकेमॉन पिकाचू उसमें ना एश, मेरे सबसे इजी याद करना यार एशबरी, और हमने बेल्जियम में पटरी बिछानी थी तो एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, इजी याद करना। तो ठीक है, केस लॉ के अंदर एक आखिरी बता रहा हूं, केस लॉ के अंदर एक आखिरी केस लॉ बता रहा हूं, आपको केस लॉ नहीं आता है तो प्लीज ध्यान से सुनना भाई, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप कौन सा केस लॉ बता रहे हो? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड बता रहा हूं। क्लास में जितने लोग बैठे ना 70-80 जितने भी बैठे हैं, आई बेट किसी को इतना अच्छे से डीप में नहीं आता होगा, तो मैं बोल रहा हूं प्लीज सुन लेना। ठीक है, केस लॉ बहुत ईजी है, इट इज जस्ट दैट आपने कभी इसको ढंग से पढ़ा नहीं है। ठीक है, मैं उसको आपको ढंग से पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूं। सुनना, एक कंपनी है सी लिमिटेड, पूरा नाम है कैमरून लिमिटेड पर मैंने सी लिमिटेड लिखा। सर फिर क्या हुआ? सर इस कंपनी ने बॉन्ड इशू करे, बॉन्ड इशू करे पाउंड 2000 के, बॉन्ड इशू करे 2000 पाउंड के। सर किसको इशू करे? रॉयल ब्रिटिश बैंक को इशू करे। सर फिर क्या हुआ? सर रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बॉन्ड अगर सब्सक्राइब करे तो पैसा देना पड़ेगा, तो सॉर्ट ऑफ एक एन से लोन, ठीक है, उधारी है, तो यहां से यहां पे लोन गया 2000 पाउंड्स का। ठीक है, यहां तक क्लियर? एकदम आसान है मेरे हिसाब से, एकदम आसान है। अरे केस का अच्छा मैसेज है, एशबरी रेलवे कैरेज वॉज नॉट रिच इनफ टू फाइनेंस। ठीक है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। यहां पे तो सी लिमिटेड ने बॉन्ड इशू करे और रॉयल ब्रिटिश बैंक ने उस बॉन्ड्स को परचेस किया
ठीक है, और बदले में 2000 पाउंड दिए, बॉन्ड्स के बदले में 2000 पाउंड दिए। सर फिर क्या हुआ, या फिर ना मैं जो सी लिमिटेड थी उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई एंड उसको बंद करना पड़ रहा था, ठीक है, मतलब हम कंपनी को बंद कर रहे थे। अब जैसे ही कंपनी को बंद करते हैं सर, कंपनी के अंदर अपॉइंट होता है एक लिक्विडेटर। सर लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का हिसाब किताब करता है। तो ये सी लिमिटेड बंद होने वाली थी, ठीक है, इट वॉज गोइंग टू क्लोज, ये बंद होने वाली थी। तो सर इसकी जगह अपॉइंट कौन हुआ, एक आदमी अपॉइंट हुआ, इसका नाम था टर्कोवांड। अब टर्कोवांड कौन था सर, लिक्विडेटर। सर लिक्विडेटर का मतलब बताओ ना एक बार सर, कंपनी के सारे असेट्स को बेच के सारी लायबिलिटी चुकाना, सारा हिसाब किताब सेटल करना, वो करता है लिक्विडेटर। तो कंपनी का पूरा कंट्रोल आ चुका है लिक्विडेटर के हाथ में। अब इस लिक्विडेटर ने क्या करा सर, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट सर कौन सी लिस्ट बनाई, कि हम किस किस को वापस पैसा लौटाएंगे, हम किस किस को वापस से पैसा लौटाएंगे। अब इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं था रॉयल ब्रिटिश बैंक का, जबकि रॉयल ब्रिटिश बैंक ने भी 2000 पाउंड का लोन दिया था बॉन्ड के बदले में सी लिमिटेड को, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक को भी पैसा मिलना चाहिए ना 2000 पाउंड वापस। तो टर्कोन ने जो लिस्ट बनाई कि किसको पैसा वापस देंगे, उसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक का नाम ही नहीं था। तो आप मुझे बताओ कौन किसको सू करेगा, रॉयल ब्रिटिश बैंक टर्कोन को सू करेगा। वही हुआ, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने टर्कोन को सू किया। अब कोर्ट में टर्कोन ने बोला, ये टर्कोन भैया ना, ये टर्कोन भैया बोलते हैं कि सर देखो ऐसा है कि बॉन्ड अगर कंपनी को इश्यू करना है तो कंपनी को एक मेंबर्स का रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। रॉयल ब्रिटिश बैंक बोलता है हाँ मुझे पता है, मैंने कंपनी का एमओए एओए पढ़ा है, मुझे पता है रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और रिजोल्यूशन पास हुआ भी था, मैंने वो भी पढ़ा हुआ है, मतलब मैंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस पूरा कर लिया, एमओए एओए पढ़ लिया, समझ भी लिया। टर्कोन बोलता है नहीं वो ठीक है, प्रॉब्लम पता है क्या है, हमने वो जो मीटिंग थी ना जिसमें डिसाइड किया था कि बॉन्ड इशू करेंगे, उस मीटिंग में ये डिसाइड नहीं किया कि कितने पाउंड के बॉन्ड इशू करेंगे। वापस सर हमने वो जो मीटिंग, टर्कोन बोल रहा है सर हमने वो जो मीटिंग करी थी जिसमें डिसाइड किया था कि बॉन्ड इशू करेंगे, उस मीटिंग में ये डिसाइड नहीं किया कि बॉन्ड कितने के इशू करेंगे, इसलिए बॉन्ड का जो इशू है ना ये इनवैलिड है, तो हम कोई 2000 पाउंड वापस नहीं देंगे। कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, देख भाई रॉयल ब्रिटिश बैंक आउटसाइडर है, उसका ड्यूटी था एमओए एओए पढ़ने का, उसने एमओए एओए पढ़ा, अब तेरी कंपनी की चार दीवार के अंदर क्या हो रहा है ये थोड़ी उसको पता पड़ सकता है रॉयल ब्रिटिश बैंक को। तो अगर कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो वो कंपनी का प्रॉब्लम है, तू चुपचाप रॉयल ब्रिटिश बैंक को 2000 पाउंड्स दे दे, एंड रॉयल ब्रिटिश बैंक केस जीत गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, समझा, प्लीज थम्स अप, प्लीज, इतना इतना सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जो मैं बताया ना आपको केस, वैसा का वैसा फ्रेम होकर एग्जाम में आता है। आर वी क्लियर, प्लीज एक थम्स अप दीजिए, लाइक एंड कमेंट अगर समझ में आया तो। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसके एक्सेप्शंस, अल्ट्रा वायर्स, सब कुछ सिखा रहा हूं, रिविजन के अंदर रिविजन करवा रहा हूं, आदित्य सर पढ़ा चुके हैं उसके बाद भी पढ़ा रहा हूं। आई होप क्लैरिटी आई होगी, अच्छे से समझा होगा, याद हो गया होगा आपको। अगर ये केस समझा ना तो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम का क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। आर वी क्लियर, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट कर देना भाई, कमेंट नहीं करा तो। आई होप 100% क्लैरिटी आई होगी, 100%। ठीक है, आई गॉट द थम्स अप, ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई आ गया। ठीक है, अब देख मैं एग्जाम के क्वेश्चन पे आता हूं, सुनना यार, रिपीट तो नहीं कर सकते, आप YouTube पे वीडियो रहेगा, आप एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है, बिकॉज मैं एनीवे बहुत स्लो पढ़ाया और दूसरी बार पढ़ाया, मैं आपको ऑलरेडी ताज वाला एग्जांपल दे चुका हूँ, उसके बाद मैंने वापस से एग्जांपल दिया, तो एक बार प्लीज बैक करके रिपीट करके देख लेना राहुल, ठीक है, यहाँ पे देख चैप्टर 4 के क्वेश्चन निकालता हूँ।
आ गया चैप्टर नंबर 5 सॉरी ये रहे क्वेश्चंस देख पढ़ इस क्वेश्चन को समझ में आएगा देखो मैं दो तीन क्वेश्चन देख लेता हूँ निकाल लेता हूँ एक क्वेश्चन ये फिर दूसरा क्वेश्चन ये तो इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा है मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा ये क्वेश्चन भी अच्छा है सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे हैं मैंने यहाँ पे और इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली दो अच्छे क्वेश्चन मिले मुझे अब तक ठीक है आजा स्टार्ट करते हैं पढ़िए सर आप पढ़ो आराम से मैं वेट कर रहा हूं आप पढ़ो मैं वेट कर रहा हूं सर कॉमन सील कंपलसरी है क्या अरे मोहित भाई कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया था तो कॉमन सील कंपलसरी नहीं है अगर कॉमन सील आपकी कंपनी में नहीं है तो या तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे या फिर डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा मोहित आर वी क्लियर आपने इतना सा पूछा मैंने आपको इतना बता दिया इंशाल्लाह वी आर क्लियर नाउ मोहित जी बाकी लोग क्वेश्चन पढ़िए 15 मिनट पढ़ लो एक मैसेज है आदित्य का सर इंडोर मैनेजमेंट को टर्कवान रूल क्यों मेंशन किया गया है बिकॉज वो इतना फेमस केस लॉ हो गया था टर्कवान वाला कि उसको सब टर्कवान रूल ही बोलते हैं इट गॉट सो फेमस आदित्य ठीक है मोहित बोलता है यू आर ग्रेट सर थैंक यू आदित्य आई थिंक आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा मैंने बाकी लोग क्वेश्चन पढ़ो प्लीज AOA of XYZ Private Limited provides that the board of directors can take a loan up to Rs. 50 lakh for a company by passing board resolution. In the case where the loan amount is in excess of the said limit, special resolution is required to be passed in general meeting. Due to urgent need of funds, board of directors applied for loan in a reputed bank for Rs. 60 lakhs without passing special resolution in the general meeting of the directors of the meeting. Board of directors gave an undertaking to bank that SR has been passed for such loan. The bank on believing on such undertaking lent the company. On demanding the repayment of loan, the company deferred the payment by saying it is ultra vires. Question samjha aapko? Question mein kya ho raha hai? Maza aaya aapse padhke. Thank you so much. Question samjha aa raha hai? Bank, matlab loan lena tha private company ko. Agar 50 lakh ka loan hai, to aap aaram se pass kar sakte ho. Board resolution, matlab director decide karke, us loan ko itna paisa utha sakte hain. Agar aapko 50 lakh se zyada ka loan uthana hai, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब मेंबर्स का परमिशन चाहिए 75% या उससे ज्यादा वोट्स आपको वो पास करना पड़ता है अगर 50 से ज्यादा लोन चाहिए तो हमें लोन कितना चाहिए था 60 लाख का और हमने वो लोन कैसे ले लिया विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब जो करना चाहिए तो हमने करा ही नहीं पर हमने बैंक को क्या बताया कि हमने कर लिया देख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिव एन अंडरटेकिंग मतलब वादा टू द बैंक दैट स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड मतलब झूठ झूठ बोला फॉर सच लोन बैंक ने विश्वास कर लिया अरे बैंक तो आउटसाइडर्स है ना तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि सर बैंक तो आउटसाइडर है बैंक को MOA देखना था बैंक को डिटेल्स मांगनी थी और कंपनी ने उसको गलत गलत डिटेल्स दी थी अब बाहर वाला तो यही मानेगा ना सब कुछ बराबर चल रहा होगा अगर बराबर नहीं चल रहा तो गलत बात है सर तो पहली बार में आपको स्ट्राइक इतना होना चाहिए एटलीस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ठीक है आपको देखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको देखिएगा केस लॉ का नाम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड ये तो पूरा क्वेश्चन रिपीट करा और लास्ट में बोल दिया द बैंक कैन बिलीव ऑन द अंडरटेकिंग गिवन बाय द बोर्ड एंड नो नीड टू रिक्वायर फर्दर द बैंक कैन क्लेम द अमाउंट समझ में आया कि आउटसाइडर को पता नहीं हो सकता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो तो MOA देखता है और आपने उसको कुछ झूठ बोला आउटसाइडर को तो आपकी गलती है ना आउटसाइडर थोड़ी कंपनी के अंदर हिस्सा ले रहा है वो आपकी बात मान लेगा और आपने कुछ झूठ बोला तो आपकी गलती इजी है इजी जल्दी वो तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाऊं इजी लगना चाहिए देख आपको केस लॉ का नाम दिखेगा
10 मिनट में छोड़ दूंगा भाई, 10 मिनट और। हाँ आदित्य बोल सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे। ये तो इजी क्वेश्चन है सेप्टिक एंटिटी का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मस्त है सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, ठीक है। मतलब आई कंसिडर दिस टू बी वन ऑफ गुड क्वेश्चन, ठीक है, फोकस करना। सुना प्लीज, 11 तक ले लो सर क्लास। अरे मेरा दूसरा क्लास है, पर्सनल ट्यूशन, यहां से मैं पर्सनल ट्यूशन में जाऊंगा 10:45 से 12 o'clock तक, वहां पे पर्सनल ट्यूशन है मेरा। यहां पे फोकस सुनना, मैं आउटराइट आपको, अपने पास टाइम कम है पर मैं फिर भी आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूं जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सुन लो प्लीज। ए लिमिटेड अगर होल्ड कर रहा है बी लिमिटेड के अंदर मोर देन 50% वोटिंग पावर, तो हम ऐसा बोलते हैं कि सर ये होल्डिंग कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 46 और ये सब्सिडरी कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 87। देवी का थैंक यू दीदी। यहां पे अगर मोर देन 50% है तो हम ऐसा बोल सकते हैं वो होल्डिंग है सब्सिडी है, ये सबको समझ में आता है, ठीक है। मैं एक फिगर ले लेते हैं, लेट्स से 55%, ठीक है, ये एक केस हो गया, ये एक केस हो गया। दूसरे केस में सुनना, ये सबको आता है, अब जो बता रहा हूं ना वो नहीं आता है। ए लिमिटेड 55% स्टेक बी लिमिटेड के अंदर एंड 55% स्टेक सी लिमिटेड के अंदर, फिर बी लिमिटेड होल्ड करता है डी के अंदर 30% और सी लिमिटेड होल्ड करता है 30%। क्वेश्चन सुनना, इज डी सब्सिडरी ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है मेरा। आओ हगते हैं आज, अपने हगा नहीं ना आज, आओ हगते हैं। इज डी सब्सिडरी ऑफ ए, प्लीज आंसर मी, इज डी सब्सिडरी ऑफ ए, प्लीज आंसर मी। ए अभिषेक आ जाएगा पागल, पढ़ाई करना। मैसेज है यस सर, मोस्टली मैसेज है यस सर। पता है लॉ में लैंग्वेज क्या यूज करी है, वेर अ कंपनी आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी कंपनीज। लॉ के अंदर वर्ड पता है क्या लिखा, लैंग्वेज आप डेफिनेशन खोल के देखो मॉड्यूल के अंदर 2 clause 46 और 2 clause 87 में क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू मतलब किसी के थ्रू वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी कंपनीज, मतलब मैं खुद होल्ड करूं या मेरे सब्सिडरी के थ्रू होल्ड करूं। सर प्यार होल्ड क्या करना है, मोर देन 50% स्टेक। तो डी इज सब्सिडरी ऑफ ए। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ाया पता है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है यार। हमने आपको वादा किया था कि आज केस स्टडी लेक्चर है, तो मैं आपको सारे केस स्टडी पढ़ा रहा हूं जो मस्त वाले क्वेश्चंस है। देखो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ आपको समझ में आता है कि नहीं आता। ड्रॉ करना, ड्रॉ, अगर आप ड्रॉ करोगे आपको समझ में आ जाएगा, प्लीज ड्रॉ इट, माय रिक्वेस्ट। इस क्वेश्चन को ड्रॉ करो, इसमें जो भी लिखा है उसको देखकर और फिर मुझे आंसर बता दो। अपने डिस्कस करता है, केस स्टडी लेक्चर होगा, मैं आपको केस स्टडी करवाऊंगा। देखा आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडी करवा रहा हूँ, डिफिकल्ट करवा रहा हूँ, मैं आपको इजी भी करवा सकता था
आपको फिर भी सब डिफिकल्ट डिफिकल्ट करवा रहा हूं, तो प्लीज आंसर मी दिस क्वेश्चन, डायग्राम ड्रॉ करना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। स्टार्ट करिए प्लीज, मैं हट जाता हूं थोड़ा साइड में इनकेस नहीं दिख रहा। तो आंसर मी, वेट कर रहा हूं मैं, आंसर देना मुझे अब। आंसर कि सर आंसर क्या आ रहा है? डायग्राम बनाओगे, डायग्राम एग्जाम में बना सकते हो, रफ में, इवन फेयर में भी बना सकते हो डायग्राम। गिव मी आंसर, सर प्रॉब्लम वहां आती है जब एक कंपनी में दो लीगल पर्सन होल्ड करते हैं, फर्स्ट पर्सन एंड कंपनी। हाँ तो कर सकते हैं ना, उसमें क्या है, सेपरेट एंटिटी है, क्या प्रॉब्लम है? आंसर दे रहे हो खुशी और चंचल, आंसर दे रहे हो क्या? वॉट वुड बी योर आंसर इफ केएल प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स इन पीक्यू एंड एनालाइज विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आंसर दो सर, नहीं आता तो मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा। ड्रॉ करो मैं, आवा इधर ड्रॉ करता हूं आपके सामने, ठीक है? आपको इजी लगेगा, आई होप आप भी ड्रॉ कर रहे होंगे खुद से। अल्टीमेटली सर आपको अपना पेन हाथ चलाना पड़ेगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस उससे ही आता है एंड आपको समझ में बेटर उससे ही आएगा, ठीक है? सुना, बीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है? उसकी एक सब्सिडरी है केएल, तो बीसी के नीचे एक केएल है, ओके? आर होल्डिंग 90,000 एंड 70,000 शेयर्स इन पीक्यू, मतलब बीसी होल्ड कर रहा है पीक्यू के अंदर 90,000 और केएल होल्ड कर रहा है 70,000, ओके? टोटल कितना हुआ, 1,60,000। सर पीक्यू का शेयर कैपिटल कितना है? 3,00,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3,00,000। तो भाई हो गया ना भाई, 1,60,000 आउट ऑफ 3,00,000, तो हो गया ना सब्सिडरी। दूसरा क्वेश्चन देख, अगर सिर्फ केएल होल्ड कर रहा होता 160 तो, अरे तो भी आंसर वही होता, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी, मेरी सब्सिडरी ना, आसान तो है। देख समझ में आता है कि नहीं, देख समझ में आता है कि नहीं। माई आंसर विल डिफर फॉर सेकेंड पार्ट एंड पार्ट, यस पार्ट वन, यस। जैन मतलब, जैन मतलब क्या बोल रहे तू, समझ में नहीं आया मुझे, वापस बता। जैरिल माई आंसर विल डिफर फॉर सेकेंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट, यस। सर बहुत इजी था, ओ माँ कसम, नाइस, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, आइए यहां पे। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए खुद से, मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट। स्क्रीन फ्रीज हो गया था, मैंने कर दिया ठीक। नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या था, 2 clause 45, अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय नंबर वन सेंट्रल गवर्नमेंट और नंबर टू स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और partly by central government and partly by state government or governments, provided that a subsidiary of a government company is deemed to be a government company. इतना आपको आता है अगर, तो आप इसको आंसर कर सकते हो। करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है और मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैव अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 crore, 10,00,000 शेयर्स ऑफ 100 each.
नैना मोटर्स लिमिटेड इज होल्डिंग 5,05,000 शेयर्स इन देख। मैं कोई बात बताऊँ बहुत बारीक, हो सकता है आप में बहुत लोगों को पता हो इंशाल्लाह, पर बहुत लोगों को शायद ना पता हो। प्लीज सुनना, दो मिनट में छोड़ दूंगा, दो मिनट सुन ले, दो मिनट में छोड़ दूंगा, दो मिनट सुन। ए बी यहां से यहां तक अगर स्टेक है 0.1 से लेके 19.99% या फिर यहां से यहां पे स्टेक है 20% से 50% या यहां से यहां पे स्टेक है 50.01% से लेके 100%, तो इन दैट केस हमारे पास हर रिश्ते का एक नाम है सर। इस रिश्ते का तो नाम नहीं, सॉरी, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट एसोसिएट और इसका रिश्ते का नाम है होल्डिंग और सब्सिडरी। तो मैंने कुछ बताया आपको, ठीक है, समराइज करके बताया क्लैरिफिकेशन के लिए, क्यों? बिकॉज मेरा नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा काम का है। सुना सर, होल्डिंग एंड सब्सिडरी के अंदर इट इज मोर देन 50%। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी के अंदर मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करना चाहिए, पर शायद ही बहुत कम लोगों को शायद ही पता होगा, गवर्नमेंट कंपनी के लिए द लिमिट इज मोर देन इक्वल टू 51%। फर्क है ना दोनों में? गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन क्या लिखा है, नॉट मोर देन, मतलब 51% और मोर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी में होल्ड कर रहा है 50.01 तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, 51% है उससे ज्यादा होल्ड करेगा ना तो गवर्नमेंट कंपनी है। किसको ये पता था? ये बारीक बात, ये और ये, फर्क है ना दोनों में? यहां पे क्या आ सकता है, 50.01 से लेके 50.99 भी आ सकता है ना, तो ये अलग है और ये अलग है। पता था या नहीं पता था? वर यू नोइंग दिस? मेरे को थम्स अप आ रहा है, यस का मैसेज आ रहा है। मयूरेश को नहीं पता था, ठीक है, मुझे सर मैंने लिखा भी है, देखो, वेरी गुड, हाँ लिखा है, आई सॉ मनीष, आई सॉ, थैंक यू, मुझे पता था मैंने इसलिए नो बोला, ओके, ठीक है। तो अगर पता था तो फिर ठीक है, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आखिरी एक मिनट, अपना बहुत जल्द BCR और BCK का लेक्चर होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने आपको जो भी 3-4 दिन लॉ पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, दिल से पढ़ाया, ठीक है, उससे ज़्यादा बेटर BCR BCK में स्कोप है। क्यों? बिकॉज फ्री के मार्क्स हैं। लॉ में मेरे पढ़ाने के बाद फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मैंने मेहनत करी उतनी आपको वापस करनी पड़ेगी। BCR BCK में ऐसा नहीं है, BCR BCK आपने एक बार सुन लिया तो फिर परमानेंट मेमोरी में याद हो जाता है, ठीक है, बिकॉज BCK इज आउटराइट MCQ एंड BCR इज वेरी इजी। ट्रस्ट में, आप लेक्चर बैठोगे, 2 दिन लेक्चर बैठोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि BCR एकदम आसान है। आपने कभी अगर BCR नहीं पढ़ा ना, कभी नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको 40 में से 25 ले आऊंगा, आपने कभी BCK नहीं पढ़ा तो भी 40 में से 30 ले आऊंगा, इसकी मेरी गारंटी। तो आपको बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगा BCR और BCK के लिए स्टार्टिंग सून। मीनवाइल आपको भी सिर्फ करना इतना है, मैं PDF सारी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, मैं आज ही कर दूंगा, मैं आज का वेट कर रहा था, आज ही कर देंगे सारी की सारी PDF सेंड। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करें कि जब BCR BCK भी जब स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट अटेम्प्ट है BCR BCK का, ठीक है, जब से 2018-19 मतलब जब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था मैं तब से पढ़ा रहा हूँ BCR BCK, तब से, आज लास्ट अटेम्प्ट है तब तक मैंने पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास पूरा खजाना है BCR BCK का, ठीक है, इतने सालों का, पहले अटेम्प्ट से लेकर लास्ट अटेम्प्ट मैंने सब्जेक्ट को पढ़ाया है, अगले अटेम्प्ट में BCR BCK निकल जाएगा, ठीक है। थ्रू आउट आई टॉट दिस सब्जेक्ट, तो आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे उसके अंदर, तो आप प्लीज़ उसमें लाइव आइएगा, एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पैसा तो मुझे चाहिए नहीं आपसे, सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको लॉ के अंदर थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है, स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो मैंने पढ़ाया, एंड आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ याद हुआ होगा, मे इट बी आज के केस लॉज, केस स्टडी क्वेश्चंस, पूरा
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, जो भी, तो प्लीज बीसी के बीसा में मिलना मुझे, वीडियो को लाइक कर देना, अगर लाइक नहीं करा तो थोड़ी दुआ दे देना, उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, एंड बहुत जल्दी मिलेंगे वापस से बीसी के बीसीआर के लिए, ठीक है, तो आप आज्ञा दो मुझे तो हम क्लास को एंड करें, बहुत जल्दी वापस मिलना ही है बीसी के बीसीआर के लिए, पर आज का क्लास एंड करें, तो लेट मी नो प्लीज, तो मैं थैंक यू बोलूँ और आपसे अलविदा लूँ, ठीक है। भोकाल सर, एक्साइटेड सर, डाउट क्लास में समझ में आ जाता है, थैंक यू मनीष सर, पर डे दो क्लास नहीं हो सकता है, नहीं राहुल आई थिंक बाकी भी स्केड्यूल होता है इसलिए, सर थैंक यू सो मच, बहुत डर लग रहा था लॉ में, अब कॉन्फिडेंस आ गया, थैंक यू सर, आपकी इंस्टा आईडी, अरे मैं इंस्टा पे एक्टिव नहीं हूँ, समझ में आ जाता है सर, प्लीज़ एक्सप्लेन, जो भी डाउट है मुझे मैसेज कर दो यार, आपका पास हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, चलो बाय बाय बाय, वापस से मिलेंगे, जय श्री राम, ठीक है, माशाल्लाह, विल मीट वेरी 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 सून, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, नहीं करा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बेशर्मो इतना भाव खाते हो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, बहुत जल्दी मिलेंगे, दुआ में याद रखना, ठीक है, बहुत ज़रूरत है मुझे, बाय एंड थैंक यू, ठीक है, चलो टाटा 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 टाटा, बाय, मिलते हैं एंडिंग दिस ईयर, थैंक यू सो मच, बीसीआरबीसीके में मिलते हैं, चलो बाय, मैं सारे नोट सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, आई विल सेंड एवरीथिंग, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय 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 बाय, जय श्री राम, जय श्री राम, चलो बाय बाय बाय।